ग्रेजुएशन में कब तक पढ़ी ट्वेल्थ क्लास तक बाकी सब ने टेंथ क्लास तक टेंथ तक तो सभी ने पढ़ी होगी और ये जो आप पढ़ेंगे एग्जाम के लिए ये भी टेंथ तक का ही है टेंथ से ऊपर का नहीं है बिल्कुल भी कुछ लेकिन कहने के लिए टेंथ तक हम बोलते हैं लेकिन उसकी डेफ्थ आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होती है एस वाले बच्चे भी कन्फ्यूज हो जाते हैं जो सी की तैयारी करते हैं वो भी सी के पेपर को करने में दिक्कत मानते हैं अभी लास्ट ईयर का आपने एग्जाम देखा होगा सी सेट का जिसमें मैथ्स पूछी गई है कितने बच्चों ने वो एग्जाम एनालाइज किया था 2023 का जो एग्जाम हुआ है उसका सी सेट का पेपर मैथ्स का पार्ट कितने बच्चों ने सॉल्व करके देखा था नहीं कितना टाइम हो गया आप लोगों को पढ़ते हुए बताइए रेस्पॉन्स कीजिए तीन चार महीने हुए हैं आपको करते हुए अभी जीएस पढ़ रहे हैं आप मैथ्स बिल्कुल नहीं पढ़ा रीजनिंग नहीं पढ़ा बिल्कुल भी पढ़ना पड़ेगा देखो बिना इसके मालूम है सी सेट पास नहीं होगा तो क्वालिफाई नहीं होंगे ना मालूम है ना इतना तो सभी को yes, हाँ तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है ये मैथ्स और रीजनिंग वगैरह का जो पार्ट है आपका सी सेट का और ये पिछले तीन साल से तीन साल से आप देखेंगे तो मैथ्स की जो डेफ्थ है क्वेश्चंस पूछने की वो काफी हुई है पहले क्या था नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते थे आपके मैथ्स में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते थे और आपका जो बेसिक ज्ञान था टेंथ क्लास तक का उसके आधार पर ही आप क्वेश्चंस को बना लेते थे लेकिन अब आप 2023 का 22 का 21 का पेपर उठा के देखेंगे तो उसके क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज कर दिया गया है सिलेबस तो उतना ही है लेकिन जो पूछने का जो तरीका था वो चेंज कर दिया गया है तो मैं अभी आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा क्या बताऊँगा इसका सिलेबस के बारे में आपको पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है क्योंकि बच्चे जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं आई की तैयारी करते हैं तो मैथ्स को बहुत लाइटली लेते हैं आप इतने बच्चे हैं चार पाँच महीने से आप पढ़ रहे हैं लेकिन किसी को सिलेबस नहीं मालूम क्यों नहीं मालूम किया भाई आपने रीजन क्या है सिलेबस क्यों नहीं मालूम किया आपने बाकी सबका सिलेबस मालूम है जीएस में क्या क्या चैप्टर आता है क्या नहीं आता ये मालूम है इसलिए नहीं करते ना कि मैथ्स बहुत ज्यादा हमें आगे जरूरत नहीं है अभी सी सेट पास हो जाए हमारा उस फिर उससे क्या करना हमें आगे मैथ्स केवल आपका सी सेट के लिए इसके अलावा आपको यूज ही नहीं है कहीं भी तो इसलिए मैथ्स को बच्चे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं लेकिन देने की जरूरत है क्योंकि आप बिना इसके आगे नहीं जा सकते हैं ठीक है ये स्टार्टिंग की पहली सीढ़ी है इसी को पार करना जरूरी है ये नहीं किया तो आगे कैसे पहुंचेंगे तो सबसे पहले आप आप खुद भी ये वर्क करेंगे घर पर जाके देखेंगे कि क्या क्या चैप्टर हमें पढ़ने हैं मैथ्स में बहुत ज्यादा वीक कौन है आपकी क्लास में मैथ्स में बताइए रेस्पॉन्स कीजिए फिर अच्छा लगेगा मुझे पढ़ाने में आप लोग वीक हैं कुछ भी नहीं आता <laughs> कुछ तो आता है ना कैलकुलेशन आती है सभी को प्लस yes, माइनस आता है yes, बस तो कर लोगे एग्जाम पास प्लस माइनस आना चाहिए आपको मल्टीप्लाई आता है डिवाइड आता है फ्रैक्शन yes, आता है yes, इसको बंद कर दो गेट को फ्रैक्शन yes, जानते हैं बच्चे कैसे डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन कैसे करते हैं कन्वर्ट yes, करते हैं डेसिमल टू फ्रैक्शन वैल्यू फ्रैक्शन टू डेसिमल है ना ये सब कुछ आपको आना चाहिए और टेंथ क्लास तक की मैथ्स में सारी चीजें मिलेंगी ज़्यादातर आपका एटथ क्लास तक की चीज़ें मिलेंगी जो आपका सी सेट का एग्जाम होता है इसमें एट्थ क्लास तक की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नाइन टेंथ के बहुत कम है नाइन्थ टेंथ में क्या आ जाता है आपका एल आ जाता है आपका जियोमेट्री आ जाएगा मैंसोरेशन आ जाएगा वो सब यहाँ पूछा नहीं जाता तो जब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की तो आप देखेंगे एक नज़र मैं थोड़ा सा ये लिख के लाया हूँ ठीक है भाई सिलेबस में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो नंबर सिस्टम से संख्या पद्धति से आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं इसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हम बोल रहे हैं इधर बेसिक न्यूमेरे के अंदर आप देखेंगे नंबर सिस्टम अब नंबर सिस्टम ये खुद में बहुत बड़ा चैप्टर है नंबर सिस्टम जो है वो कई सारी चीजों को लेके बैठा हुआ है बहुत ज्यादा आसान नहीं है नंबर सिस्टम इसके अंदर आप रेशनल इरेशनल नंबर्स पढ़ेंगे एलसीएम एस पढ़ेंगे आप नंबर्स का एलसीएम एस कैसे लिया जाता है सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको बोर्ड मास का यूज करना आना चाहिए जानते हैं सभी बच्चे बॉडमास होता है फिर उसके बाद में स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट आपसे अभी मैं पूछ लू 98 का स्क्वायर बताइए आप बताओ 98 का स्क्वायर क्या होगा नहीं वाला हंस गए। 19 का कितना होगा 361। वेरी गुड 21 का कितना होगा डबल फोर वन ठीक है देखो 25 तक तो सबको रटे होने चाहिए जैसे इन्होंने बताया उस तरीके से आपको भी 25 तक आने चाहिए 25 से ज्यादा स्क्वायर नहीं आते हैं वो अलग बात है ठीक है जनरली सभी बच्चों को नहीं आते हैं कुछ बच्चों जिन्होंने पढ़ रखा उन्हें 25 है उन्हें ट्वेंटी से ऊपर आते हैं जैसे मैंने नाइन्टी पूछा कोई बता पाएगा बच्चे बिना कैलकुलेट किए 100 माइनस टू का हम स्क्वायर कर सकते हैं ना तो वहां पर आइडेंटिटी लगा देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी लेकिन वो भी करने की जरूरत नहीं है उससे भी पहले हो जाएगा आपको मैं ट्रिक सिखा दूंगा पैटर्न समझा दूंगा कॉन्सेप्ट सारे बता दूंगा कैसे करना होता है नाइन्टी एट का स्क्वायर करेंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं हंड्रेड से कंपेयर करते हैं दो कम है है ना दो का स्क्वायर करेंगे तो फोर आता है उसको जीरो फोर लिखेंगे और नाइन्टी एट में से दो माइनस कर देंगे नाइन्टी सिक्स बचेगा तो फाइनली स्क्वायर बन जाएगा नाइन्टी सिक्स जीरो फोर क्या बोला मैंने क्या बन जाएगा नाइन्टी सिक्स जीरो फोर देखो अभी मैं कुछ अभी सिलेबस ही आपसे डिस्कस कर रहा हूं सिंपली मैंने पूछा 98 का स्क्वायर चाहिए मुझे तो मैंने क्या बोल दिया 98 एट का स्क्वायर करने के लिए ये कंपेयर किया जाता है बेस 100 मान देते हैं हम तो हंड्रेड से दो कम है दो का स्क्वायर कितना होता है चार और चार को हम दो डिजिट में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा जीरो फोर अब जितना कम था ये दो दो ही माइनस कर दो इसमें से कितना बचेगा नाइनटी आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो नाइन ही होगा जैसे मैंने पूछा कर आपसे 102 का स्क्वायर पूछा जाता है तब आप क्या बताएंगे इसको देखेंगे 100 से 2 प्लस है ये तो 2 का स्क्वायर होता है बेटा 4, 4 को लिखेंगे आप 04 और इसमें 2 प्लस कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 104 और दिस इज द राइट आंसर ऑफ 102 का स्क्वायर तो ये सब चीजें आपको सीखने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा ठीक है एक तो बच्चा होता है जो बिल्कुल स्टार्टिंग अभी पढ़ाई कर रहा है उसे कुछ नहीं आता है उसको टाइम लगता है आप तो ग्रेजुएशन करके आए सभी बच्चे हैं ना टेंथ तक सबने मैथ्स पढ़ा है तो इजीली आप सीख पाएंगे स्कूल में भी आपने पढ़ा है सब कुछ लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़ाया गया स्कूल की जो पढ़ाई है अब पता ही आप कैसे पढ़ते हैं हम सब लोग स्कूल में है ना स्कूल में कैसे पढ़ते हैं बस चलता है कैसे आगे पहुँच जाते हैं टेंथ भी पास हो जाती है ट्वेल्थ भी पास हो जाती है सीरियस हो गया कितने बच्चों ने टेंथ ट्वेल्थ की है यहाँ पर बताइए सीरियसली कितने किसने पढ़ाई की है स्कूल में है ना? स्कूल में अगर सीरियसली पढ़ाई करते हैं तो आपका आउटपुट सीरियसली पढ़ाई की है आपका ऐसे ही यहां पर और भी चैप्टर इसके टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है डिवाइड करना किसी से देख के ही पता लगाना किस संख्या से डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया कलर से चेंज होगा भाई ठीक है। जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है थ्री फोर नाइन सिक्स टू अब इसको से करके देखना है। तो अब ऐसा नहीं है इसमें डिवाइड करने लग जाऊं क्या करना है मुझे इसका कॉन्सेप्ट देखना है कि डिजिट सम अगर नाइन से कट जाएगा तो संख्या भी नाइन से कट जाएगी डिजिट सम समझते हैं जो संख्या लिखी है इसके अंकों का योग देख लीजिए है ना अगर ये नाइन से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या भी नाइन से डिविजिबल होगी ठीक है ऐसे क्या आएगा रिमाइंडर थ्योरम आएगी रिमाइंडर थ्योरम सेस प्रमेय किसी नंबर को किसी से भाग करते हैं तो क्या रिमाइंडर बचेगा जैसे मैंने लिख दिया मान लीजिए ये लिखा है टू थ्री फोर की पावर वन जीरो फाइव डिवाइडेड बाई कुछ भी लिख दिया मैंने यहां पर आ, ये लिखा फोर देन वाट विल बी द रिमाइंडर रिमाइंडर क्या होगा शेष क्या होगा तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं फिर है यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होता है जानते हैं बच्चे इकाई अंक का मतलब क्या है यूनिट डिजिट का ये जो नंबर लिखा हुआ है इसके यूनिट पे क्या है यूनिट डिजिट पे टू है अब ऐसी एक बड़ी सी कैलकुलेशन लिख दी मैंने तब आपसे पूछा गया है कि उसका यूनिट डिजिट क्या होगा कुल मिला के ये पूरा आपका नंबर सिस्टम है और सबसे ज्यादा नंबर सिस्टम से पूछा जाता है मैं आपको पहले ये दिखा देता हूं कि कितने क्वेश्चन कहां से पूछे गए क्या करना है बेटा एग्जिट करना है इधर देखिए इधर पहले वहां चलते हैं जैसे ही है ये कुछ मैंने क्वेश्चंस का डिटेल निकाला है कि कौन सी साल में कितने किस टॉपिक से पूछे गए तो आप ये देखेंगे ज्यादा पुराना नहीं डाटा है ये 2020 से लेके अब तक का क्योंकि इसी से मतलब है पुराना चेंज हो चुका है अब क्या पैटर्न चल रहा है वो देखना है अगर आप नंबर सिस्टम की बात करते हैं एक सिंगल यूनिट मान लो इसे चैप्टर नहीं कहेंगे इसे यूनिट कहेंगे इसमें सारी चीजें जो अभी हमने बताई हैं डिविजिबिलिटी रूल है रिमाइंडर थ्योरम है और आपका यू, और क्या है यूनिट डिजिट है और क्या, जितने भी एलसीएम एस सी एफ है स्क्वायर रूट है क्यूब रूट है वो सब किसके अंदर आ रहा है नंबर सिस्टम के अंदर आ रहा है नंबर सिस्टम से आप देखेंगे दो हजार तेईस में बाईस सवाल पूछे गए ठीक है 2022 में कितने पूछे गए थे 15 क्वेश्चन 21 में 13 और 20 में कितने आए 8 तो पहले और कम आते थे बीस से पहले जाएंगे तो पांच छह सात ऐसे सवाल थे नंबर सिस्टम से लेकिन धीरे धीरे ये कहां पहुंच चुके हैं 22 पर सिंगल 22 एक नंबर सिस्टम से पूछेगा क्वेश्चन ऐसे फिर इससे कम थोड़ा सा वेटेज जो है परमिटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी का है ये कह सकते हैं इलेवंथ क्लास का है ये जो है पीसी परमोटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी आप नाइन्थ में भी पढ़ते हैं टेंथ में भी पढ़ते हैं इलेवंथ में भी है ट्वेल्थ में भी है ठीक है तो इसमें क्वेश्चन कभी कभी बहुत ज्यादा डेप्थ में चला जाता है तो इलेवन है तेरह क्वेश्चन पूछे गए इधर बाईस में चार क्वेश्चन है तीन और एक इसी तरीके से परसेंटेज है आपका दो क्वेश्चन आए लास्ट ईयर और पहले भी दो आए थे 21 में चार है आप देख पा रहे हैं मैं 2d 3d हम कहते हैं मैंसुरेशन नहीं पढ़ना है लेकिन आपको थोड़ा बहुत मैंसुरेशन भी पढ़ना पड़ेगा मैंसुरेशन समझते बेटा सभी क्या होता है मैंसुरेशन इतना तो मालूम होना चाहिए ना नाम से तो पता लग जाएगा क्या चीज है क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है अभी नहीं आता कोई बात नहीं सीख जाएंगे लेकिन नाम से थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए मैंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्र और क्षेत्र में हम दो तरीके के फिगर पढ़ते हैं एक टू फिगर होता है और एक थ्री सभी समझ रहे हैं टू डी डी क्या है ऐसे फिगर जिनमें लेंथ और ब्रेथ होती है उनको 2D कहते हैं और जिनमें लेंथ ब्रेथ के साथ हाइट होती है उनको क्या कहेंगे हम 3D फिगर कहेंगे तो जो 3D फिगर होते हैं उनमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम 2D फिगर का कभी वॉल्यूम नहीं निकाल सकते आप आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई उसकी मान लो फाइव सेंटीमीटर है आपसे कहता है इसका वॉल्यूम बताओ तो जिन बच्चों को नहीं मालूम है कि 2D थ्री के बेसिस पे हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं वो बच्चा क्या करेगा फॉर्मूला लगाने की सोचेगा उसमें बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं ये। मैंने ये बोला कि मान के चलो कि यह रेक्टेंगल है ये टेन सेंटीमीटर है ये फिफ्टीन या फिर फाइव है मान लो अब आपसे क्वेश्चन कह दिया कि बताइए वॉल्यूम क्या है तो क्या आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं इसका नहीं निकाल सकते क्यों नहीं निकाल सकते ये तो एक प्लेन बन गया ये क्या है टू फिगर है भाई लेंथ व्रेथ दे रखी है जब तक इसमें हाइट नहीं आएगी तब तक आप इसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हाइट आते ही क्या बन जाता है थ्री फिगर एक्चुअली वॉल्यूम का मतलब क्या है वॉल्यूम का मतलब है कैपेसिटी वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कैपेसिटी धारिता आपके पास बोतल है ये थ्री डी फिगर है इसका आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं इसके अंदर कितनी चाय आ सकती है कितना पानी आ सकता है तो उसको कहते हैं वॉल्यूम ठीक है और टू फिगर में क्या निकालते हैं पैरीमीटर और एरिया पैरीमीटर और एरिया सिंपल सा क्वेश्चन है वॉट इज पैरीमीटर बताइए आप बताइए पैरीमीटर क्या होता है पढ़ाना तो सब कुछ है लेकिन आज की क्लास में मैं बस इंट्रोडक्शन कर रहा हूं आपसे पैरीमीटर क्या होता है? कोई भी बच्चा यूपीएससी वाले आप स्टूडेंट हैं तो सर सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए वट इज द पेरीमीटर अगर ऐसे लिखा है वट इज द पेरीमीटर आप किस पर टिक लगाएंगे क्या सही सटीक आंसर होना चाहिए सम ऑफ सम ऑफ ऑल साइड इज कॉल्ड द पेरीमीटर चलिए थ्री सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर फाइव सेंटीमीटर दिखाई दे रहा सभी को फाइव सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर चार हम्म बताइए बताइए जल्दी नाइनटीन और इसके अलावा सम ऑफ ऑल साइड्स पैरीमीटर होता है तो बताइए बेटा इसका 19 होगा या 24 होगा पैरीमीटर अकॉर्डिंग टू यू पैरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स देन व्हाट विल बी द पैरीमीटर ऑफ दिस फिगर ट्वेंटी फोर क्यों नहीं है एक्जेक्टली exactly. मैं ये बताना चाह रहा हूं आपने जो डेफिनेशन बोली है वो लगभग सही है लेकिन हंड्रेड परसेंट करेक्ट नहीं है पेरीमीटर की डेफिनेशन होती है द सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल बाउंड्री क्या होता है बेटा सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल बाउंड्री बाहरी सीमा जो होती है उसकी जो आउटर बाउंड्री होती है क्या लिख सकते हैं पैरिमीटर की डेफिनेशन सम ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ एनी फिगर इज कॉल्ड द पैरिमीटर क्लियर हुई बात तो आप इसकी बाउंड्री की बात करेंगे इसकी बात नहीं करेंगे ये जो है है ना फाइव इसको काउंट नहीं करना है. इसके अलावा सबको काउंट करना है तो कितना हो जाएगा नाइनटीन इट्स पैरिमीटर इज नाइनटीन सेंटीमीटर ऑल राइट समझ में आया सभी को अब यही मैं डेफि मैंने सिर्फ लैंग्वेज ऐसा आ सकता है ना लिखा हुआ ऑप्शन में से चार ऑप्शन बना दिए बोले बोलेगा सम ऑफ ऑल साइड दूसरे में बोलेगा सम कुछ और। फिर लास्ट सही आंसर होगा वो क्या होगा सम ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्री अब इस फिगर की एक्सटर्नल बाउंड्री देखनी है ना कि ये साइड तो ये भी है भाई इस साइड से हमें कोई लेना देना नहीं है हमें क्या चाहिए बाहरी सीमा जो है एक्सटर्नल बाउंड्री जैसे ये रूम है इसका हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं अब अंदर ये कितनी लाइन है इससे फर्क नहीं पड़ता है इसकी जो एक्सटर्नल ये चार दीवार है इसको काउंट करना है बस ठीक है समझ में आ गया सभी को अब बताएंगे व्हाट इज एरिया एरिया की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए एरिया क्या द रीजन कवर्ड बाई कवर्ड बाई एक्सटर्नल बाउंड्री जो पेरीमीटर था उसी ने कितना एरिया कवर कर रखा है उसको हम एरिया कहते हैं कितना रीजन कवर कर रखा है क्लियर है द रीजन कवर्ड बाई एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ एनी फिगर इज कॉल्ड द एरिया क्षेत्रफल समझ में आया भाई साहब आपको पक्का ठीक चलो तो ये कह रहा है कि 2D, 3D से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ट्रेंगल है क्वाड्रिलेटरल है है ना ये सब आपको इनके फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले आपको पढ़ने पड़ेंगे क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप का होता है कितने बताइए आपने दो ही बताया भी तो अगर बहुत सारे होते हैं कितने अनकाउंटेबल क्वारल क्वाड्रिलेटरल कोई भी चार साइड से बना दिया क्वाड्रिलेटरल होता है लेकिन हमें यहां पढ़ना लिखना है जिन्हें हमें पढ़ेंगे अभी हम टेंथ क्लास तक की किताबों में पढ़ते आए उसमें कौन से कौन से नाम से बताइए क्या क्या क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है आपने स्क्वेयर पढ़ा है रेक्टेंगल पढ़ा है रोमबस पढ़ा है ट्रपेजियम पढ़ा है पैलोग्राम पढ़ा है और और क्या रह गया काइट भी पढ़ाया आपने काइट काइट बनता है ना दो साइड ऊपर की बराबर है दो नीचे की बराबर है वो काइट फिगर होता है कितने बच्चों ने देखा काइट का फिगर कैसा होता है सोचो आप बताओ काइट बनाने के लिए आप काइट ड्रॉ करके दिखाइए कैसे करेंगे काइट समझ रहे हैं ना पतंग जिसे कहते हैं हम तो क्या प्रॉपर्टी होती है उसकी काइट की हाँ एडजस्ट साइड बिल्कुल एकदम सही है जो एडजन साइड होती है वो दोनों क्या होती है आपस में बराबर होती हैं ऐसे मैंने बनाया ये 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 ठीक ठीक है ये ये ठीक है साइड साइड इसके इसके बराबर बराबर होगी होगी और दिस फिगर इज कॉल्ड द काइट तो ऐसे ही ट्रेंगल कितने टाइप के होते हैं बेसिक चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगे आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा पैरिमीटर निकालने का एरिया निकालने का ये सब जानना पड़ेगा थ्री फिगर पर आएंगे तो उसको वॉल्यूम के भी फॉर्मूले आपको जानने पड़ेंगे सभी क्लियर है बात चलो आगे आता है आपका एज प्रॉब्लम एज प्रॉब्लम क्या है एज प्रॉब्लम एक्चुअली में रेशियो और प्रोपोर्शनल से रिलेटेड है जैसे क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे कि रीता और सीता की वर्तमान आयु का अनुपात फाइव अनुपात थ्री है फाइव रेशियो थ्री है बिफोर टू इयर्स दो साल पहले इनकी एज का रेशियो इतना था हु? इस तरीके जो क्वेश्चन होंगे वो किसमें मिलेंगे आपको एज प्रॉब्लम में क्लियर है बात रेशियो वाला चैप्टर है नेक्स्ट है एलसीएम एस जो नंबर सिस्टम का ही पार्ट डी आई डाटा इंटरप्रिटेशन सभी जानते हैं क्या होता है डी आई yes, नहीं जानते ग्राफ में बार चार्ट में पाई चार्ट में इंफॉर्मेशन दे रखी होती है उसके चार पांच क्वेश्चन नीचे लगे होते हैं उसको रीड आउट करना है इन्फॉर्मेशन को और देन क्वेश्चन आपको सॉल्व करने वो डीआई होता है प्रॉफिट एंड लॉस है ना क्रय और विक्रय वाली कॉन्सेप्ट जो आती है खरीदना और बेचना लाभ या नुकसान परसेंटेज में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं टाइम एंड डिस्टेंस टाइम एंड डिस्टेंस क्या है दूरी समय एवं दूरी जैसे आप उसमें स्पीड की बात करते हैं दूरी की बात करते हैं एक व्यक्ति घर से ऑफिस जाता है पांच किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अचानक घर से फोन आता है रिटर्न आ जाता है छ किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से या दस की चाल से तो आने जाने में उसकी एवरेज स्पीड क्या है एक चोर सिपाही का सवाल आ जाता है एक चोर ने सिपाही को देखा पांच मीटर की दूरी है सिपाही को देखते ही चोर दौड़ जाता है पीछे चेज करता है पुलिस वाला कुछ दूर जाके उसको पकड़ लेता है इस तरीके के क्वेश्चन देखे आपने नहीं तो वो किस में आएंगे आपके टाइम डिस्टेंस में आते हैं इसमें एक्चुअली में बोट एंड स्टीम भी है बोट एंड स्टीम नाव एवं धारा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम टेंथ क्लास याद आ रहा है या नहीं अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम उन्हें तो नींद आ रही है पीछे भयंकर तरीके से है जमा ही ले लो पानी पी लो एक सही हो जाएगा दोपहरी का टाइम है लंच कर लिया क्या लंच कर लिया होगा तो नींद आएगी फिर टाइम एंड डिस्टेंस के बाद मिक्सर एलिगेशन तो मैं ये आप बताना चाह रहा हूं कि इस तरीके से देखो इंपोर्टेंट क्या है हमें पढ़ने के लिए मैथ्स तो बहुत बड़ी है अब इसमें सारे चैप्टर नहीं है इतने से ही पूछा गया है 2022 में 2023 में आप देखो कि यही चैप्टर हैं किने चुने जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं मैथ्स तो आप कैलकुलेट करोगे तो अट्ठाईस से तीस चैप्टर मिल जाएंगे आपको जो एस के बच्चे पढ़ते हैं एस एस सी सी के बच्चे जो पढ़ते हैं कम से कम 28 से 30 चैप्टर होते हैं लेकिन आपको वो सब नहीं पढ़ना उतना लेकिन ओवरव्यू लेते चलना है हर चीज़ का तो मेन आपका क्या है बेटा नंबर सिस्टम है तो एक बार और मैं इसको दिखा देता हूं थोड़ा सा ये जो सिलेबस की हम बात कर रहे थे इसमें देखो ये चैप्टर जो है रेशियो प्रोपोर्शन हो गया मिक्सर हो गया इधर देखिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे अर्थमेटिक को समझने के लिए आपको एक तो ये रेशियो प्रोपोर्शन है और एक परसेंटेज है मैथ्स की बैकबोन कहे जाते हैं आप जब मेंसुरेशन पढ़ रहे होंगे तब भी रेशियो का यूज हो रहा होगा परसेंटेज का यूज हो रहा होगा जब भी ठीक है क्वेश्चन ऐसे कह देगा कि एक है की प्रत्येक साइड 10 परसेंट बढ़ा दिया गया तो बताइए इसके एरिया में कितनी वृद्धि होगी बहुत आसान सा सवाल है बनाओ ट्राई करो क्वेश्चन लिखिए इफ द साइड ऑफ एनी स्क्वेयर इज इंक्रीज बाई टेन परसेंट इफ द साइड ऑफ एनी स्क्वेयर इज इंक्रीज बाई टेन परसेंट देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया तो बताइए इसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा यदि किसी वर्ग की बुझा को दस परसेंट बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी If the side of any square increased by 10%, then calculate the increment of area. 21%. 10% बढ़ाया है, आंसर 21% आरा एरिया में। और किसी बच्चे का कोई आंसर आया? ऑरिजिनल साइड क्या है मतलब भी नहीं है उससे हमें क्या साइड दे रखी है नहीं मालूम लेकिन ये कह रहा है कि कुछ भी साइड थी उसमें टेन परसेंट कर दिया तो एरिया कितना बढ़ जाएगा उसका ट्वेंटी वन के अलावा किसी का आंसर आ रहा है क्या कुछ आप बताइए भाई साहब नहीं आपने तो अच्छे से पढ़ाई की है टेन्थ <laughs> ट्वेल्थ तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है एट्थ में है ये सेवंथ क्लास में देखना आप एट्थ की और सेवन्थ की मैथ्स उठा के परसेंटेज में वहां मिल जाएगा ये आप बताइए नहीं बताएंगे चलिए <laughs> देखो अच्छी बात है पढ़ाई करनी चाहिए बचपन में पढ़ाई करते तो अब दिक्कत नहीं होती ज़्यादा दिक्कत हमें इसलिए होती है क्योंकि वो उस समय हमने ना मौज मस्ती में निकाल दिया और उस समय समझ भी तो नहीं आता है क्या करें हैं सब ऐसे ही करते हैं हमने भी ऐसे ही किया होगा सभी ऐसे ही करते हैं लेकिन थोड़ा सा बच्चों को सतर्क भी रहना चाहिए ज्यादा मौज मस्ती में नहीं इस सवाल में जिन्होंने ट्वेंटी वन बताया वो सही आंसर है ठीक है ट्वेंटी वन सही है अब कैसे किया है आपने बताइए मुझे कैसे किया हाँ एक्स है देखो अब लंबे मेथड से चलेंगे। कुछ नहीं करना था इसमें देखो टेन परसेंट इंक्रीज होने का मतलब है एवरी थिंग इज हंड्रेड परसेंट टू इट सेल जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो आपको सारी चीज़ समझाऊंगा हर चीज़ अपने आप में सौ परसेंट होती है आपकी जेब में मान लो पचास रुपए है और आपने पाँच रुपये खर्च कर दिए आपसे पूछेगा कितने परसेंट खर्च कर दिए इनिशियली जो पचास रुपये थे वो परसेंटेज में कितने थे सौ परसेंट आपकी जेब में जो पचास रुपये थे वो परसेंटेज में कितने थे सौ परसेंट उसमें से पाँच रुपये खर्च कर दिए तो कितना परसेंट खर्च कर दिया बता सकते हो आप पचास रुपए थे आपके पास उसमें से पांच परसेंट खर्च कर लिए तो कितने परसेंट खर्च कर दिया आपने बताइए कितना छोटा सवाल है देखो हम्म एक व्यक्ति के पास पचास रुपए थे उसने उसमें से पांच रुपए की आइसक्रीम खा ली तो उसने कितना परसेंट अपना खर्च कर दिया या कितना परसेंट अभी बाकी है उसके पास दस परसेंट खर्च कर दिया नब्बे परसेंट उसके पास बाकी है परसेंटेज सौ पे काउंट होती है भाई साहब पचास रुपए है पचास में से पांच खर्च कर दिया इसको सौ बनाना है तो दो से गुणा कर दो सौ बन गया इसमें भी दो से गुणा कर दो तो क्या बन गया दस 10. सौ पे जो वैल्यू खर्च होती है वही परसेंटेज कहलाती है यानी दस परसेंट हो गया अभी आपको नहीं समझ में आया होगा कोई बात नहीं मैं समझाऊंगा बाद में से ठीक है चलिए अभी मैंने ये जो क्वेश्चन पूछा था मैंने यह सवाल पूछा था आपसे कि एक स्क्वायर है उसकी साइड को 10 परसेंट बढ़ाया गया है तो बताइए 10 परसेंट बढ़ाया गया तो उसका एरिया कितना बढ़ गया होगा एक बच्चे ने एक्स मान के किया ठीक है उन्हें जैसे समझती उन्होंने कर लिया सिंपली मैं बताता हूं कि ओरिजिनल जो था ना इसका ओरिजिनल एरिया सौ परसेंट था क्या था बेटा सौ परसेंट अब ये हमने कहा साइड उसकी कितनी थी दस थी सौ uh, थी और दस बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी एक सौ दस हम ये कहते हैं कि कितनी बढ़ गई बेटाओ एक सौ दस हो गई अब सौ परसेंट थी ओरिजिनल साइड और उस पर दस परसेंट बढ़ा दिया तो गया तो कितनी होगी एक सौ दस इसको और छोटा कर सकते हैं हम रेशियो में बना लेंगे यानी पहले साइड दस थी अब ग्यारह हो गई ऐसे मानो पहले साइड थी दस यूनिट या दस सेंटीमीटर अब कितनी हो गई ग्यारह दस परसेंट बढ़ने का मतलब समझ में आया अब आपसे पूछा है एरिया एरिया पूछा तो इसका कर देंगे क्या स्क्वायर। एरिया पूछा तो स्क्वायर कर देंगे इसका मतलब पहले एरिया था 100 परसेंट अब नया एरिया कितना बन गया अब एक परसेंट ग्यारह का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 परसेंट तो आपसे पूछा है कितने परसेंट एरिया में वृद्धि हो गई 100 से 121 होने का मतलब क्या है 21 परसेंट की वृद्धि समझ आया नहीं आया मैंने ना एक्स माना ना वाई माना कुछ भी नहीं माना है अगर यही सवाल होता कि प्रत्येक साइड में टेन परसेंट की कमी कर दी गई है तो बताइए एरिया में कितनी कमी हो जाएगी तो भाई साहब आप ये कहेंगे कि पहले हंड्रेड थी साइड कोई भी अब नब्बे बच गई छोटा कर लो इसको यानी दस यूनिट से कितनी बच गई नौ नाइन एरिया पूछ रहा है तो आप क्या कर देंगे इसका स्क्वेयर यानी पहले एरिया कितना हुआ करता था 100 परसेंट अब कितना बचा है 9 का स्क्वायर 81 परसेंट तो आप बताएंगे कितने परसेंट की कमी हो रही है 19 परसेंट की कमी हो रही है समझ में आया क्या कुछ ठीक है ये बात समझ में आ गई सभी को तो परसेंटेज का कैसे यूज होता है मैं ये बता रहा हूं परसेंटेज नहीं सिखा रहा आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि परसेंटेज का पूरे मैथ्स में कैसे यूज हो जाता है ऐसे ही रेशियो का ये रेशियो बनना है टेन से नाइन होना ये रेशियो है रेशियो से ही हम परसेंटेज काउंट कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं एक और मैं क्वेश्चन छोटा सा पूछ लेता हूँ समझ तो आ रहा है ना सभी को अभी मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं आपको ऐसे ही बातें कर रहा हूं आपसे ठीक है अगर मान के चलिए इधर देखो इसको ले लेते हैं ब्लैंक यहां से आएगा ना ये क्या कर दिए चलो देखिए इधर मान लो कि एक क्यूब है आपके पास क्यूब समझते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है ये क्यूब है आपसे पूछा गया है इफ इट्स साइड इनक्रीज बाई इंक्रीज बाई 20 परसेंट प्रत्येक साइड को 20 परसेंट बढ़ा दिया गया है मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम थी उनको 20 परसेंट बढ़ा दिया गया है तो आपसे पूछेगा बताइए इसका वॉल्यूम में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी एक क्यूब है क्यूब का मतलब होता है घन और घन कैसी फिगर होती है जिसकी प्रत्येक साइड यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है किसी घन के प्रत्येक भुजा को 20 परसेंट बढ़ा दिया जाता है तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी वॉल्यूम उसका कितना परसेंट बढ़ जाएगा बताइए कैसे करेंगे इसे कितना आ रहा है सेवन टू एट नहीं, और बताइए सेवन टू एट परसेंट बढ़ जाएगा वॉल्यूम देखिए मैं बता देता हूं क्या करना है मैंने कहा ट्वेंटी परसेंट का इंक्रीजमेंट है देखो इधर अगर मान लो पहले साइड उसकी हंड्रेड परसेंट थी तो अब कितनी होगी होगी एक सौ बीस एक सौ बीस हो गई आप इसको और छोटा कर लो तो आप कहेंगे सर दस यूनिट मान लेते हैं पहले साइड अब कितनी होगी होगी बारह बीस परसेंट बढ़ने का मतलब है दस पे बारह हो जाना मैंने मान लिया कि पहले साइड उसकी दस यूनिट थी अब कितनी होगी बारह पूछ रहा है आपसे वॉल्यूम ध्यान रखना अगर एरिया पूछता है तो स्क्वायर करते हैं वॉल्यूम पूछता है तो क्यूब करते हैं ठीक है थीके? तो हमें क्यूब करना है क्या ये आ जाएगा अब आ जाएगा थाउजेंड और ये कितना आ जाएगा वन सेवन टू एट ठीक है तो अब मैंने पूछा कितने परसेंट की वृद्धि होगी मेरा क्वेश्चन क्या है कितने परसेंट की वृद्धि हुई है पहले वॉल्यूम था एक हजार अब हो गया सत्रह सो अट्ठाईस लेकिन मैंने पूछा परसेंटेज में वृद्धि कितनी हुई है तो परसेंटेज बनाते हैं हंड्रेड बनाना होता है परसेंटेज का मतलब है सौ पे काउंट होता है तो आप इसको हंड्रेड बनाएंगे तो एक जीरो हटाएंगे और इस इसमें भी आप क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे तो पहले जो वॉल्यूम था इसका वो 100 परसेंट था अब जो वॉल्यूम है वो 172.8 परसेंट है आपसे पूछ रहा कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है तो आप बता देंगे 72.8 परसेंट का इंक्रीजमेंट है बोलो बात समझ में आई है नहीं एरिया पूछता है तो स्क्वायर करना है वॉल्यूम पूछा है तो क्यूब करना है क्योंकि क्यूब क्यों क्यू क्यू किया है आप फॉर्मूला देखो अगर आपके पास ये एल इंटू बी इंटू एच यही होता है ना वॉल्यूम का फॉर्मूला तो एक बार एल का बी का एच का तीन बार गुणा होना है तो हमें क्या करना है आप? पावर थ्री अगर हम वॉल्यूम एरिया निकालते हैं तो एरिया क्या निकलता है एल इंटू बी एरिया क्या होता है हमारा एल इंटू बी होता है यानी दो बार मल्टीप्लाई तो यहां स्क्वायर करते हैं बात समझ में आ रही है लॉजिक क्या है एरिया निकालना है तो स्क्वायर करना है और वॉल्यूम निकालना है तो क्यूब करना है एरिया किसका पूछेगा स्क्वायर का या फिर रेक्टेंगल का वॉल्यूम किसका पूछेगा क्यूबॉइड का या फिर क्यूब का चलिए वापस उधर ही पहुंचते तो अभी मैंने बताया कौन सा मेंसुरेशन मैंसोरेसन में हम क्या बात कर रहे हैं एरिया पैरीमीटर अब देखो यहाँ जियोमेट्री भी लिखा हुआ है साथ में हमने सिलेबस में क्या लिखा है ज्योमेट्री अब आपको ज्योमेट्री भी पढ़ना है ज्योमेट्री लेकिन बहुत बड़े लेवल से नहीं पढ़ना है ज्योमेट्री का मतलब एंगल ट्रेंगल के कितने एंगल है ये सब चीजें पढ़ एक्यूट एंगल क्या होता है ऑप्ट्यूज एंगल क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं मालूम है ना सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं वन डिग्री ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है वन एट्टी कॉम्प्लीमेंट्री किसे कहते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है है ना बाकी बच्चे कुछ नहीं बता पा रहे आप कुछ नहीं बता रहे हो बिल्कुल भी सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री हिंदी में बोलू क्या मैं पूरक कौन और संपूरक कौन पूरक कौन होते हैं जिनका जोड़ नब्बे होता है संपूरक होते हैं जिनका जोड़ वन होता है राइट एंगल ट्र किसे कहते हैं जिसमें एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो ये बात सही है एंगल की डेफिनेशन क्या होगी वट इज एंगल व्हाट इज एंगल बताइए व्हाट इज एंगल देखो कंपटीशन की तैयारी यही कहती है जो आप छोड़ के आए ना वो सब पढ़ना पड़ता है छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है जैसे हमने कहा पेरीमीटर की डेफिनेशन आपको नहीं मालूम थी है ना? ऐसे ही एंगल क्या होता है इतना तो बता दो होता क्या है एंगल डेफिनेशन छोड़ो डिग्री होती है <laughs> डिग्री तो मेजरमेंट करते हैं डिग्री में तो हम्म दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं अच्छा आगे और बोलो पहुंचे थोड़ा सा लेकिन कट करती है इससे केवल सेटिस्फेक्शन से नहीं मिलेगा <laughs> देखो बहुत ध्यान से समझना इसको क्या बोलेंगे ये लाइन है या रे है पहले ये बता दो ये क्या है रे लाइन नहीं है डिफरेंस मालूम है रे में और लाइन में क्या होता है है हाँ ना हाँ तो इनका ये कॉमन पॉइंट है ये ये कॉमन पॉइंट है ए यहां से एक रे ये है ए ए बी और एक सी इसके बीच की ये जो दूरी है ये जो दूरी है इसको हम कहते हैं एंगल एक्चुअल में ये जो डिस्टेंस होती है इसको एंगुलर डिस्टेंस कहा जाता है क्या कहा जाता है इसे एंगुलर डिस्टेंस तो जब भी एंगल डिफाइन करना है या इसको डेफिनेशन में लिखना है आपको तो क्या लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू रेज फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट दोनों का कॉमन पॉइंट होना चाहिए वहां से इनके बीच में ये दूरी कितनी है इसको हम एंगल कहते हैं बात समझ में आई या नहीं yes, चलिए अब आगे इसमें सेट थ्योरी भी दे रखा है परमोटेशन कॉम्बिनेशन भी दे रखा है ठीक है तो इतना आपका मिला के ये पूरा सिलेबस बनता है जो आपको पढ़ना है तो मेनली जो चैप्टर है आपको पढ़ने वाले मैंने यहां लिखा भी है इंपॉर्टेंट चैप्टर की जब हम बात करेंगे देखिए इधर सारी चीजें मैं लिख के लेके आया हूं कि आपको जो ज्यादा ध्यान देना है वो इतना है सिलेबस आपका कहां से नंबर सिस्टम से लेके देखो ईरा नंबर सिस्टम एलसीएम एलसीएमएस रेशियो एज प्रॉब्लम एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट लॉस टाइम डिस्टेंस परमोटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी इन पर विशेष ध्यान देना है आपको चैप्टर तो आपके पंद्रह बीस इकट्ठे हो जाते हैं लेकिन उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ के निकल जाएंगे हम फॉर्मूले पढ़ के निकल जाएंगे लेकिन इनको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन जो आता है ना एक दो सवाल भी है मेरे पास में प्रीवियस ईयर का 2023 का ही मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूं और मैं ये जानने की कोशिश करता हूं कि आप कितने सक्षम है कुछ भी सोच पाने में बस चलिए व्हाइट बोर्ड आ गया ये और इस पर आप क्वेश्चन लिखेंगे एक रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है रिमाइंडर जानते हैं सभी शेष फल की हम बात करेंगे क्या है आपको यह बताना है क्वेश्चन पूछा गया है आपसे ये 2023 का पेपर है 28 पांच में हुआ है सी सेट का ठीक है भाई और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है 87 सेवन इंटू एट्टी फाइव इंटू एट्टी सेवन नाइन 95 into 96 is divided by 100, यानी इसको सौ से भाग किया गया है देन कैलकुलेट द रिमाइंडर बताइए रिमाइंडर क्या होगा इफ एटी फाइव इंटू 100, देन वाट विल बी द रिमाइंडर इसको सौ से भाग किया जाता है तो शेष क्या मिलेगा अब ये नंबर सिस्टम में आप पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम जिन बच्चों को रिमाइंडर थ्योरम आती है वो इसका आंसर निकाल सकते हैं जिनको नहीं आती तो वो क्या कर रहे होंगे उन सबको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे पहले है ना यही तो कर रहे होंगे आप मल्टीप्लाई बना के इसको बना लो क्या नंबर है फिर इसमें सौ से भाग लगा दो भाई साहब सौ से भाग लगाने पर यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा वो आंसर है आ, होता तो बहुत कुछ है तीनों डिजिट की यूनिट डिजिट की तो वो तो यूनिट डिजिट पूछता आपसे जब करते आपसे पूछता है इकाई अंक क्या है यूनिट डिजिट क्या है तब हम यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करते अभी आपसे पूछना है रिमाइंडर क्या है सेसफल क्या है ऑप्शन में लिख देता हूं तुक्का तो मार ही सकते हैं कुछ नहीं होगा तो है भाई चार ऑप्शन है कुछ तो सही होगा पहले कहता है ज़ीरो आएगा रिमाइंडर फिर कह रहा है दो आएगा एक आएगा पांच आएगा बताइए क्या रिमाइंडर आएगा कोई भी बच्चा से बताए पांच एक बच्चे का आया पांच चलिए जिसके ज्यादा टिक होंगे ना वही आंसर मान लिया जाएगा फिर देखते हैं आप तुक्का कैसे मारते हैं एमसीक्यू में तो सही है ना तुक्का मार दो कहीं भी तो सेट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी तो वन बाई फोर की है ही यानी ट्वेंटी फाइव परसेंट तो है ही एक होगा भाई और बताइए जल्दी जल्दी फटाफट है टू होगा सब अलग अलग बता रहे हैं किसी ने रिपीट नहीं किया और जीरो है किसी का जीरो अच्छा नहीं लग रहा ना देखने में फीलिंग्स <laughs> नहीं आ रही है जीरो पे आंसर जीरो ही है इसका आंसर जीरो ही है तुक्का भी देखो जो आप सोचते हैं वो कभी नहीं होता है है ना इसका आंसर क्या है जीरो यानी ये हंड्रेड से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा जीरो रिमाइंडर कब आता है जब कोई संख्या किसी से पूर्णतः विभाजित हो जाए मैंने कहा मेरे को ये हंड्रेड है इसको मैं टेन से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा जीरो आएगा ना कंप्लीट कट जाएगा तो टेन इज द फैक्टर ऑफ हंड्रेड टेन क्या है सौ का गुडनखंड है ये बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं गुडनखंड फैक्टर बोला है मैंने मल्टीपल yes, बोल दू तो अभी एक और क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल भाई साहब बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा आपको तो है फैक्टर एंड मल्टीपल और एक होता है प्रोडक्ट लो हिंदी में लिख देता हूं इसको कहते हैं गुड़नखंड गुड़नखंड यह होता है गुड़ज और यह होता है क्या गुड़नफल अब तो बता देंगे सही से फैक्टर होगा चलो मल्टीपल इन्होंने सही बताया है प्रोडक्ट क्या होता है प्रोडक्ट होता है रिजल्ट किसी का गुणा किया हमने मल्टीप्लाई किया कोई दो नंबर तीन नंबर ले लिया मैंने कहा पांच गुणा में छो तो कितना आया थर्टी तो ये थर्टी क्या है प्रोडक्ट ऑफ फाइव एंड सिक्स अब इस थर्टी को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो फाइव इंटू सिक्स आता है तो मैं इसको कह सकता हूं इसके फैक्टर है, है यानी तीस को जो संख्या डिवाइड कर देंगी पांच से भी डिवाइड हो जाएगा छह से भी हो जाएगा तीस दो से भी डिवाइड हो जाएगा तीस पंद्रह से भी हो जाएगा तीस दस से भी हो, 30 भी हो जाएगा तो ये सभी क्या है इसके फैक्टर है तीस के फैक्टर हैं ये सब और मैंने मल्टीपल की बात की तो मल्टीपल क्या है जैसे तीस का मुझे मल्टीपल चाहिए तो पहला तीस होगा दूसरा साठ होगा फिर नब्बे होगा एक सौ बीस होगा यानी तीस से कटने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाएंगे उसकी मल्टीपल जो तीस के टेबल में आएंगे वो सब क्या है मल्टीपल होगी तो ये भी एक टॉपिक है अभी मैं पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम में ही मल्टीपल का और इसका आपसे पूछ लेगा प्राइम फैक्टर बताइए थर्टी के प्राइम फैक्टर बताइए बताओ हो, क्या होते हैं प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर क्या होता है आप अपने आप से डिवाइड होते हैं और किसी से नहीं होते यानी एक से और अपने आप से डिवाइड होते हैं तो पहला प्राइम नंबर क्या होता है टू हाँ भाई साहब क्या होता है टू या थ्री टू होता है वन क्यों नहीं होता टू क्यों बोला आपने वन क्यों नहीं होता डेफिनेशन क्या है प्राइम नंबर की अ नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाई वन एंड इट सेल्फ ऐसी संख्या जो केवल एक से और अपने आप से कटती है उसको हम क्या कहते हैं प्राइम नंबर तो वन भी तो है एक से कट रहा है और अपने आप अप से कट रहा है लेकिन प्राइम नहीं है क्यों नहीं है पहला प्राइम नंबर टू है एकदम सही बात है लेकिन क्यों? क्यों किताब में आपने पढ़ा होगा सबने डेफिनेशन यही लिख दी है ऐसी संख्या जो एक से और अपने आप से कटती है उसको प्राइम कहते हैं लेकिन पहली प्राइम दो है एक क्यों नहीं है रीजन क्या है कितने सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो गए अभी तो इसी का आंसर रह गया समझाना हम्म पहले इसको बता देते हैं फिर उसके बाद इधर जाएंगे देखो ये सब बातें सीख लोगे तो अच्छा लगेगा आपको ना छोटी छोटी बातें आनी चाहिए पेपर तो जैसे पास करना है करना ही है लेकिन ये चीज़ें आप जान जाओगे तो आपको सेटिस्फेक्शन लगेगा कि ये सब हमें आता है अच्छा फील करोगे अपने आप में है नहीं भाई कोई भी बात कर रहा है आपसे मैथ्स में ही तो आप उसका आंसर या समझ पा रहे हैं वो क्या कहना चाह रहा है मैंने प्राइम नंबर का बोला इधर से बच्चों को पता ही नहीं प्राइम क्या वर्ड आ गया कंपोजिट नंबर बोला मैंने क्या होता है कंपोजिट जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं जिसके मोर देन टू फैक्टर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं कंपोजिट मैंने कहा रेशनल नंबर रेशनल नंबर क्या होते हैं पी वाई क्यू की फॉर्म में जो लिखे जाते हैं उनको रेशनल नंबर परमेय संख्या कहते हैं तो ये छोटी छोटी बातें आनी चाहिए मैं इसका आंसर बताने के लिए कोशिश करता हूं मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर कोई संख्या जैसे मान लो पचास है फिफ्टी है अब फिफ्टी को मुझे डिवाइड करना है पांच से फिफ्टी को मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे पांच से तो आप हर बच्चा जानता है कि रिमाइंडर क्या आएगा जीरो क्यों आएगा क्योंकि फाइव इज द फैक्टर ऑफ फिफ्टी पांच जो है पचास का गुणनखंड है यानी पांच से पूरा कट जाएगा रिमाइंडर तो क्या आएगा जीरो अब मुझे क्या करना है हंड्रेड से इसमें डिवाइड करना है डिवाइड करने का मतलब है आप ऐसे कट कर, करके देख लीजिए ऐसे काटिए इधर से देखो ये नाइनटी फाइव लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है फाइव से काट सकता हूं फाइव yes, से कितनी बार कट जाएगा उन्नीस बार ऊपर कटेगा नीचे बीस बार कट जाएगा अब फिर आप देखेंगे भाई फाइव से दोबारा कटेगा और फाइव से इधर कट जाएगा फाइव से काटूंगा तो फोर टाइम्स जाएगा और फाइव से सत्रसी होता है सेवनटीन आ जाएगा क्लियर है बात अब मेरे पास क्या बच रहा है फोर क्या फोर से ऊपर डिवाइड हो जाएगा क्या नाइनटी सिक्स फोर से नाइनटी सिक्स कट गया कितनी बार ट्वेंटी फोर टाइम्स अब मैं ये कह रहा हूं नीचे से तो सब कट गया कुछ नहीं बचा अब मतलब क्या था कि ये जो भी संख्या रही होगी वो सब हंड्रेड से पूरी कट रही होगी समझ में आई बात अगर हंड्रेड से पूरी कट रही है तो हंड्रेड इज द फैक्टर ऑफ दिस नंबर देन विल बी? बात समझ में आई या नहीं रिमाइंडर क्या होगा जीरो होगा हमें जरूरत नहीं है कि इसको इसका फाइनल रिजल्ट बनाए तब डिवाइड करें तो इसको कहते हैं रिमाइंडर थे दो हजार तेईस के एग्जाम में पूछा गया सवाल है इनकेस ये फोर रह जाता नीचे हाँ तो फिर उसके हिसाब से चेक करते इसको दूसरे तरीके से अगर हमारा यहां से नहीं कटता कुछ तो इसका मतलब रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो इसको हमने यहां से ये छोटा करके देख लिया ठीक है सारा करके अब इसके बाद जो बचा हुआ है जो महने के ऊपर उसका प्रोडक्ट बनाएंगे देन जो नीचे है उससे डिवाइड करेंगे अब क्वेश्चन देखो एग्जाम में कैसे आएगा क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि यहाँ चार बच गए और ऊपर इतनी बड़ी कैलकुलेशन बची हुई है आपसे वो करवाने लग जाए गुणा करो फिर डिवाइड करो नहीं क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जो लॉजिकली फिट बैठता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट है तुरंत आंसर बता दे तो यहाँ पे ऐसा ही आएगा हंड्रेड आया कुछ और आया या फिर नीचे बचना है तो पावर की फॉर्म में आएगा अभी मैं कराऊंगा जैसे यहाँ पे कुछ लिख दिया थर्टी फोर की पावर यहाँ पे फिफ्टी uh, टू लिख दिया इसको डिवाइड करवा दिया किसी से uh, मान लो थर्टी फाइव से डिवाइड करवा दिया अब रिमाइंडर बताओ क्या आएगा थर्टी फोर की पावर फिफ्टी टू डिवाइडेड बाई थर्टी फाइव तो रिमाइंडर क्या आएगा आप सोच सकते हैं कि ऐसे कैलकुलेट करना नहीं कैलकुलेट नहीं होगा चौवन थर्टी फोर की पावर है फिफ्टी टू पावर का मतलब समझते हो कि इसको थर्टी फोर को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिफ्टी टू टाइम्स और फिर उसको डिवाइड करना है थर्टी फाइव से तब रिमाइंडर क्या आएगा तो ये भी करेंगे आप ये भी टॉपिक है मैं पढ़ाऊंगा इसको ठीक है एक एक करके सारी चीजें आप समझेंगे तो इसका आंसर अभी क्या बनेगा ज़ीरो बनेगा एक दो सवाल और लेते हैं फिर मैं शुरू करूंगा अभी आज पहली क्लास थी तो बस आपसे मतलब जानना था आपको कि आपका लेवल क्या है कैसे पढ़ना है पढ़ाना है है ना सारी चीज़ें थी उसके बाद फिर मैं क्लास शुरू करूंगा अभी तो बस दो चार क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूँ देन उसके बाद में या तो आज से शुरू कर देंगे चैप्टर या फिर नेक्स्ट क्लास से शुरू कर देंगे ठीक है अभी कितने बजे तक क्लास है ढाई बजे तक है ना टाइम कितना हमारे पास अभी कोई बात नहीं सही बोला है कन्फ्यूज <laughs> क्यों हो रहे हो ठीक तो बोला है आपने अच्छा एक क्वेश्चन है आप देखेंगे इधर ये लिखा हुआ है ये भी आ, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है फाइव सेवन टू फोर टू की पावर नाइन इंटू सेवन इन टू फाइव इन थ्री इंटू वन वाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस वट इज द यूनिट डिजिट ऑफ गिविन एक्सप्रेशन एक अंक बताइए इसका क्या होगा <coughs> कितने बच्चे जानते हैं यूनिट डिजिट निकालना क्वेश्चन आपके 2023 के एग्जाम में पूछा गया है ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं और ऐसे ही आपको पढ़ना है तैयारी करनी है ऐसे सवालों की आपके भी पेपर में आएंगे ठीक है क्या आएगा जीरो, नहीं जीरो नहीं है अब हर जगह जीरो नहीं आएगा ऑप्शन है आपके पास दो आठ छह चार यह ऑप्शन है हर जगह जीरो नहीं आएगा अच्छा यूनिट डिजिट होता क्या है कैसे निकाला जाता है हर बच्चा जानता है अगर सिंगल में लिखता हूं ऐसे इसका यूनिट डिजिट बताइए तो अभी क्या करेंगे आप इनका ही मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट के लिए हमें बाकी की जरूरत नहीं होती है इसका यूनिट डिजिट फोर है फोर का नाइन में करेंगे कितना आ जाएगा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स का सिक्स लेना है थर्टी सिक्स का यूनिट डिजिट क्या है सिक्स तो सिक्स की मल्टीप्लाई अब कहां करेंगे थ्री में कितना आएगा एटीन एटीन का मतलब आठ आंसर क्या आ गया आठ इसका आप गुणा करोगे सबका प्रोडक्ट करोगे तो उसमें जो यूनिट डिजिट बनेगा नंबर तो बहुत सारा होगा कुछ आगे उससे हमें नहीं मतलब है उसके इकाई स्थान पर यूनिट डिजिट पे क्या लिखा होगा आठ अगर ऐसे सिंपल कैलकुलेशन आती है तो आप बता देंगे यूनिट डिजिट क्या है लेकिन इस तरीके के पावर के फॉर्मेट में आता है तब कैसे करेंगे तब यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे ठीक है <coughs> चलो आपने कभी ये पढ़ाई नहीं है ना एस एस सी का थोड़ा एक दो एग्जाम दिया होता तो आपको पता होता है इसके बारे में या अब इसको पूरा पैटर्न ही समझाना पड़ेगा मुझे पावर की फॉर्मेशन होती है तो किससे डिवाइड करते हैं पावर को क्या करते हैं चार से डिवाइड किया जाता है मैं बताऊं आपको जब भी यूनिट डिजिट निकालना है तो मतलब रिपीटेशन जो होता है ना यूनिट डिजिट का वो चार के बाद शुरू हो जाता है चार के बाद रिपीट होने लगती है पावर शायद अभी आपको समझ आए या ना आए देखो इधर मैंने लिखा जैसे मैं नाइन का केस लेता हूं तो नाइन में दो के बाद ही रिपीट होने लगता है जैसे कोई भी नंबर है उसकी ये यूनिट डिजिट पे नाइन लिखा है और इसके ऊपर कुछ भी पावर लगा दिया मैंने पाँच लगा दिया या पचास लगा दिया तो ये नाइन बार बार रिपीट आने लगेगा दो के बाद कैसे जैसे नाइन की पावर एक है तो क्या आएगा नाइन नाइन की पावर दो है तो कितना आएगा बेटा एट्टी वन ठीक है नाइन की पावर थ्री करूंगा तो कितना आएगा बोलो इन के पावर फोर किया मैंने पता नहीं क्या आएगा लेकिन वन आएगा यह बात समझ पा रहे हो मैंने क्या कर दिया अगर पावर वन किया है तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा नाइन पावर टू कर दिया तो यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है वन अगर पावर थ्री कर देता हूं तो यूनिट डिजिट पे फिर से क्या आ जाएगा नौ no. सात सौ उनतीस होता है लेकिन मुझे इससे मतलब है यूनिट डिजिट से क्या आया नाइन फिर पावर चार कर दिया तो क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट पे करके देखो एट्टी वन इंटू एटी वन नाइन की पावर फोर का मतलब क्या है एटी वन इंटू एटी वन तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा वन ऐसी चलता जाएगा तो आप देखो रिपीट हो रही है ना नाइन फिर नाइन वन फिर वन ऐसी आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो नाइन वन नाइन वन नाइन वन यही चलता जाएगा तो यूनिट डिजिट रिपीट होता है कितने स्टेप के बाद होता है वो आपको जानना है नाइन के केस में दो के बाद रिपीट हो जाता है और जैसे वन हो यूनिट डिजिट पे फाइव हो जीरो हो सिक्स हो ये तो एक पे रिपीट हो जाता है मैंने लिखा 121 या 21 की पावर पांच पचास या पांच कुछ भी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा वन होगा या नहीं होगा समझ पा रहे हैं बात को 21 की पावर फाइव लिखा है इसका यूनिट डिजिट बताइए तो 21 ट्वेंटी वन इंटू ट्वेंटी कितनी बार कर लो मल्टीप्लाई क्या आएगा वन आएगा फिर मैंने लिखा कि भाई मेरा फाइव है मैंने लिखा एक सौ पांच की पावर है मेरे पास पंद्रह इसका यूनिट डिजिट बताइए मल्टीप्लाई करेंगे एक सौ पांच एक सौ पांच एक सौ पांच एक सौ पांच है ना तो फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू क्या आएगा पांच का गुणा पांच में करते हैं पच्चीस फिर पांच का गुणा पांच में करेंगे पच्चीस तो बार बार क्या आएगा पांच आएगा इसलिए कहते हैं इसका रिपीटेशन वन है वन है जीरो सिक्स सिक्स का देखो छ का गुणा छ में करेंगे छत्तीस फिर छह का छह में करेंगे छत्तीस हर बार कितना आ रहा है सिक्स आ रहा है तो ये जो वन है फाइव है जीरो है सिक्स है इनका रिपीटेशन क्या होता है वन होता है यानी हर बार ये क्या होता है सेम रिपीट होके आता है नाइन के केस में रिपीटेशन कितनी बार है दो के बाद तो इसकी साइक्लिसिटी टू इसको वर्ड कहते हैं साइक्लिसिटी साइक्लिसिटी इसकी टू है इनकी क्या है वन है ठीक है ऐसे ही आप देखेंगे दो है तीन है सात है और आठ है इनकी साइक्लिसिटी होती है फोर तो मैक्सिमम साइक्लिसिटी होती है कितनी फोर होती है मैक्सिमम साइक्रिसिटी फोर होती है यानी फोर से ज्यादा कोई नहीं आगे जा सकता फोर्थ के बाद तो रिपीट होना ही पड़ेगा जैसे दो की मैं बात करूं चलो इस टॉपिक को प्रॉपर मैं पढ़ाऊंगा तभी करा दूंगा सही से है ना अभी टाइम वेस्ट कर मुझे लग रहा है कि टाइम वेस्ट कर रहा हूं मैं इसमें एक बार देख लो अब चलो जैसे दो की पावर एक है दो आएगा दो की पावर दो है तो क्या आएगा चार दो की पावर तीन है तो कितना आएगा आठ दो की पावर चार है तो कितना आएगा सोलह तो अभी आपने देखा हर बार अलग आया यूनिट डिजिट दो चार आठ और छह ठीक है अब जैसे ही दो की पावर पाँच करूंगा तो कितना होता है बत्तीस टू की पावर फाइव का मतलब थर्टी टू क्या रिपीट हुआ यूनिट डिजिट क्या हुआ रिपीट टू की पावर सिक्स करूंगा तो कितना आएगा सिक्सटी फोर रिपीट हुआ क्या अब हर बार रिपीट होगा आगे एट आएगा फिर सिक्स आएगा फिर टू आएगा फोर आएगा एट आएगा सिक्स आएगा टू आएगा फोर आएगा एट आएगा सिक्स आएगा हर बार यूनिट डिजिट यह चलता जाएगा तो कुल मिला के मैक्सिमम साइक्लिसिटी होती है फोर यानी फोर के बाद उसको रिपीट होना है तो अब करते क्या है हम हमें यह देखना है कि यह जो आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको मैं सबको हटा रहा हूं क्योंकि इसको कायदे से आपको पढ़ाऊंगा दोबारा तब आप लिखना अभी लिखना कुछ नहीं है आप आंसर देखो इसको ठीक है आपको कुछ नहीं लिखना है अभी आंसर चेक करना है इधर एक वो आता है सेलेक्ट करने वाला इरेज में हाँ ये मिल गया अब अच्छा पहले इरेज में करूं फिर सेलेक्ट सर्कल सरकल। सरकल। ठीक है अब देखिए इधर ये जो सवाल है मैं ये कह रहा हूं इसका साइक्लिसिटी मुझे आ, मुझे इसका निकालना है यूनिट डिजिट तो इससे कोई मतलब है नहीं आगे जो लिखा हुआ है किससे मतलब है इस टू से इस टू की वजह से रिमाइंडर बनेगा अब टू की पावर क्या लिखी हुई है ये सब लिखी हुई है अब मैंने कहा कि इसकी साइक्लिसिटी फोर है किसकी टू की यानी फोर के बारे से रिपीट होना है अगर यहां फोर तक होता तो हम सॉल्व कर लेते लेकिन ये फोर से बहुत ज्यादा है पावर तो क्या करना है इसको फोर से डिवाइड कर देना है पावर को क्या कर देना है फोर से डिवाइड फोर से डिवाइड करने के बाद आपको देखना है क्या बचेगा रिमाइंडर चेक करना है जब आप फोर से डिवाइड करोगे तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा इस पूरी वैल्यू को फोर से डिवाइड करो इसको नौ को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर वन बचेगा अगर मैं सेवन को डिवाइड करूंगा तो माइनस वन बचेगा रिमाइंडर माइनस वन जानते हो yes, हाँ गए अगर फाइव को करूंगा तो प्लस वन बचेगा रिमाइंडर थ्री को करूंगा तो माइनस वन बचेगा वन तो को छोड़ो वन से तो मल्टीप्लाई वन में ही हो रहा है अब यहां पर मैंने सबका क्या कर दिया मल्टीप्लाई तो क्या आएगा वन आएगा करो ऊपर मल्टीप्लाई वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन मल्टीप्लाई करने के बाद वन आएगा तो आंसर क्या आ रहा है टू की पावर वन यानी ये जो वैल्यू लिखी गई है इसका इसका मतलब क्या है पावर वन के बराबर तो फाइनली आंसर क्या हो गया इसका टू यूनिट डिजिट पर आंसर क्या आ जाएगा टू आ जाएगा आपका ठीक है इतना बड़ा सवाल और इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा सा और ये 2023 के एग्जाम में आया हुआ है तो तो हाँ माइनस वन समझ नहीं आई आपको <coughs> ऐसा होता है ये सात है सात को हम चार से भाग कर रहे हैं आप कहोगे सर एक बार जाएगा हमने दो बार कर दिया चार से भाग लगा रहे हैं दो बार तो आप कहोगे सर यहाँ तो आठ आना चाहिए अब अब क्या करते हैं इसमें से इसको घटाते हैं तो रिमाइंडर क्या आ गया माइनस वन नहीं आया समझ में आ गया अभी और समझा देंगे जब पढ़ाएंगे माइनस रिमाइंडर हम ले सकते हैं ठीक है हम्म बोलो समझ नहीं आया दोबारा पहले हंस लो फिर बोलो समझ में जब आएगा नहीं वो भी है खत्म नहीं हुआ वो भी है भाई सब वो भी है सब कुछ है ठीक <coughs> है तो चलिए ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं है ना जो अब टफ क्वेश्चन लेने का तो मेरा मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी है ना चलो एक लॉजिकल क्वेश्चन है एक और देख लेते हैं उसके बाद फिर शुरू करेंगे सिलेबस क्वेश्चन आप नोट कर लो सभी है ना यहां पे लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन आप नोट कर लो क्वेश्चन है शॉर्ट में नोट करते जाओ कह रहा है इफ एबीसी एंड डीईएफ एफ ए बी सी ऐसे लिखना है ए बी सी एंड डीईएफ एफ आर बोथ थ्री डिजिट नंबर ये दोनों ही थ्री डिजिट नंबर है तीन अंकों की संख्या है सी एंड डी ई एफ आर बोथ थ्री डिजिट नंबर्स सच दैट एफ आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट कंडीशन देखो कहता है डी ए बी सी डी ई एफ आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट कंडीशन पढ़ना जरूरी है क्या लिख रहा है इसका मतलब समझ में आ गया सभी को यह कह रहा है कि ए बी सी डी एफ जो है छह की छह डिजिट अलग अलग हैं और जीरो नहीं है कोई भी ठीक है जीरो नहीं है फिर कह रहा है सच दैट ए बी सी प्लस ई एफ टू ए बी सी प्लस डी ई एफ इन दोनों नंबर को जोड़ देते हैं तो आपको मिलता है एक सौ ग्यारह देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ यानी ये जो संख्याएं हैं ये जो डिजिट है इनका सम बताइए डिजिट संख्या सिक्स या सेवन्थ क्लास के एनसीआरटी में ऐसे क्वेश्चन होते हैं पर वो ये जो क्वेश्चन है ऐसा नहीं कि सेवन्थ क्लास की एनसीआरटी से है मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको सेवंथ क्लास के एनसीईआरटी में मिलेंगे वहां से उठाया गया सवाल है लेकिन इसका जो लॉजिक बनाया है वो कहीं बहुत ज्यादा हाई कर दिया है सवाल को बनाने का। क्वेश्चन समझ में आया क्या सभी को नहीं इतनी तेज आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब जरूर समझ में आया होगा आंसर आना चाहिए फिर है ना बताइए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं तीन डिजिट के नंबर समझते हो सौ से जो शुरू होते हैं यानी एबीसी एक कोई नंबर है तीन डिजिट का जैसे मान लो एक सौ पैंतालीस है या दो सौ पैंतालीस कुछ भी टू फोर्टी फाइव कुछ भी मान सकते हैं ऐसे ही एक और अनदर नंबर है जो तीन डिजिट का है पांच सौ उनतीस मान लो कुछ भी मान लो है ना मैं लेट कर रहा हूं ऐसे ही तो ये दो नंबर हैं तीन डिजिट के अब इसमें कह रहा है कि जो ए बी सी डी एफ छह डिजिट है ये छह के छह अलग डिजिट आए और जीरो नहीं है कहीं भी इनको जोड़ने पर ऐड करने पर आपको एक हजार एक सौ ग्यारह मिलता है तो बताइए छह डिजिट को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा ये क्वेश्चन है दो हजार तेईस का क्वेश्चन है ये तो आप तैयार रहो आपको आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं कब होगा एग्जाम मई में जून में हम्म देखो एक बच्चे को पता है बस डेट कब है बाकी आपको नहीं पता एग्जाम कब होगा अभी नहीं दे रहे हैं आप इसलिए मस्ती कर रहे हैं अभी है ना अभी सीरियस नहीं है उतने लग नहीं रहा मुझे ज्यादा इतने सीरियस हैं आप और कौन कौन देने वाला है इस बार एग्ज़ाम कोई भी नहीं कोई भी नहीं अच्छा कब दोगे नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर दोगे पता नहीं लगेगा कब आ जाएगी नेक्स्ट ईयर है ना इसलिए मत सोचो कि बहुत टाइम है साल दो साल ऐसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है तो अभी कॉलेज में तो नहीं है आप लोग सब कॉलेज पास आउट हो या कॉलेज चल रहा है अभी चल रहा है अभी स्टार्ट हुआ है अरे वाह चलो आपके पास तो ठीक है समय है थर्टी वन आंसर आया इनका थर्टी वन चलिए थर्टी वन आंसर है एकदम सही है बिल्कुल सही है बताइए कैसे कैसे किया है, है कि एंड, में एंड में वन आए हाँ बिल्कुल ठीक है देखो इन्होंने यहाँ पे एक बात ये कही थी कि ये जो है क्या नाम है इसका इसको हम हटा देते हैं पहले इसको ऐड करने पर इसको ही तो ऐड किया है क्या आना चाहिए इधर वन इधर वन इधर वन और इधर वन दो संख्या इनको ऐड किया है और ये आना चाहिए अब आपको देखना है कि ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इनको आपस में जोड़ें वन आ जाए इसको जोड़ें वन आ जाए इसको ऐड करें वन आ जाए लेकिन ये रिपीट ना हो अलग अलग हो और जीरो भी ना हो बहुत ध्यान से समझना है और अभी समझ में आने वाला है ये क्वेश्चन सी को क्या मान सकते हैं आप यहां पर बोला है इसने वन आना चाहिए तो मैं कहता अगर इसको जीरो लेना पॉसिबल होता है इसको जीरो लिख दो इसको वन लिख दो या इसको वन लिखो इसको जीरो लिख दो लेकिन जीरो होना पॉसिबल नहीं है तो मैक्सिमम कितना सोच सकते हैं नाइन 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 एड करेंगे तो कितना आएगा एटीन आएगा नाइन और नाइन को एड करेंगे तो कितना आएगा एटीन तो यहां पर एट आएगा यानी या तो ट्वेंटी वन बन जाए ऐड करके या इलेवन बन जाए दो ही तो कंडीशन थी हमारे पास ट्वेंटी वन बना नहीं सकते समझ गए नहीं समझे डिजिट जो होती है मैक्सिमम कितनी होती है जीरो वन टू से लेकर नाइन तक ही तो होती है डिजिट नाइन से ऊपर तो नहीं होती डिजिट टेन डिजिट होती है हमारी जीरो से लेके नाइन तक तो यहां पर हम जो वैल्यू प्लेस कर सकते हैं जीरो तो रख ही नहीं सकते हटा दिया अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचे वन से लेके नाइन तक हम कुछ भी रखें और सबको इंडिविजुअल अलग अलग रखना है तो मैंने कहा कि भाई यहां पर मुझे पता है कि ये वन आ रहा है तो इसका मतलब इलेवन रहा होगा इनका सम सी और जो एफ है देखो ये सी और एफ है इन दोनों का सम कितना रहना चाहिए इलेवन 11 रहने के लिए मैंने कहा कि भाई जीरो तो हटा दो आप जीरो नहीं रख सकते यहां सी की वैल्यू मैंने कहा क्या वन रख सकते हैं अगर मैंने वन रखा तो इसको फिर टेन मानना पड़ेगा और टेन तो रख नहीं सकते डिजिट नहीं होती टेन तो इसका मतलब इसको वन भी नहीं रख सकते तो क्या रखेंगे फिर यहां से टू और नाइन समझना ध्यान से अच्छा सवाल है C की वैल्यू मैंने टू रख दी तो F की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी नाइन देखो इधर अगर इसको मैंने टू माना है तो इसको क्या मानूंगा नाइन तो टू और नाइन कितना बन गया इलेवन इलेवन बन गया तो वन कैरी गया वन कैरी गया अब वन कैरी है मेरे पास B और E को क्या रखना है यानी इन दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए दस B और E को ऐड करके कितना आना चाहिए दस क्योंकि एक कैरी है अभी मेरे पास तो दस बनाने के लिए मैं क्या रख सकता हूँ इसको थ्री रख सकता हूं और इसको सेवन रख सकता हूं बात सही है या नहीं तो ये थ्री और सेवन हो गया यहां पर सेटिस्फाई फिर वन कैरी जाएगा भाई ये दस और एक ग्यारह है एक आ गया एक हासिल चला गया ऊपर अब यहां पे ए और डी की वैल्यू फिर से सोचनी है हमें क्या आनी चाहिए दस, दस आनी चाहिए ना क्योंकि इलेवन बनाना है तो दस रखने के लिए दो नौ रख दिया तीन और सात रख दिया अब क्या रखना पड़ेगा इसको चार रख लो इसको छ रख लो सब अलग अलग होने चाहिए ना अलग अलग हो रहे हैं तो हमने सोचा कि ये रखने पे ये बन जाता है ये वैल्यू आप उठा के रख दो सेटिस्फाई कर गया यानी इसका मतलब है कि C2 है F9 है और ये 3 है और ये कितना है फिर 7 है और ऐसे ये 4 है तो ये कितना है 6 है समझ में आया नहीं आया हाँ तो अब आपसे पूछ रहा है इनका सम कितना है बताइए जोड़ के कितना आएगा थर्टी आ रहा है यानी आपको ऐड करना है टू प्लस नाइन प्लस थ्री प्लस सेवन प्लस फोर प्लस सिक्स इस सब को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा थर्टी वन आ जाएगा ये आंसर तो कितनी मेहनत कराई है क्वेश्चन ने ना टफ था या आसान था या मॉडरेट था कर पाते सोच के है ना टाइम टेकन था लेकिन कर लेते इसको बट कर जब लोगे जब एक बार प्रैक्टिस में आप करके गए अगर यही क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आया पहले कभी नहीं देखा आपने ऐसा तो आप नहीं कर पाओगे इस सवाल को मैथ्स का यही है कि अगर आपने पहले प्रैक्टिस में एक दो सवाल ऐसा किया है और कुछ चेंज हो के डिजिट चेंज होके आ जाता है नया सवाल तो आप उसे बना पाओगे लेकिन क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपने कभी देखा ही नहीं था पहले आप सोच ही नहीं सकते आपकी जो सोच है वो लिमिट हो गई है लिमिटेड हो गई है सोच पाते कब है जब हम दस सवाल पाँच सवाल ऐसे कर चुके हैं तो अब उसको बना लेंगे आगे वाले आने वाले सवाल को ठीक है चलिए अब सिलेबस शुरू कर दें बताइए या और क्वेश्चन कराए जाए ढाई बजे तक क्लास लेनी है आपकी अभी फोर्टी फाइव मिनट है हमारे पास में तो कोई चैप्टर शुरू कर दें मंडे से देखो मन नहीं है उनका पढ़ने का हुँ? अभी से कर देते हैं इंट्रोडक्शन तो हो ही जाएगा एक चैप्टर का ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा तो ठीक है शुरू कर देते हैं कुछ बातें तो आप सीख ही पाएंगे कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा आपको जानने के लिए चलिए पानी है क्या पीने का पानी दे दो जरा फिर शुरू करते हैं क्लास है किसी के पास या पीछे होगा इधर कोई नहीं रुकता है क्या ये चले जाते हैं सब तो गर्म हो रखा लाए हो तो नोर्मल है पानी ठंडा लाइयो गरम नॉर्मल है इनका तो गर्म है ये दे जाइए इसे आप भी पी लीजिए पानी वगैरह फिर शुरू करते हैं है ना जो भी टाइम है उसमें करते हैं कुछ ना कुछ तो पढ़ लेंगे आज <handles the museum> और इतनी मेहनत आनी चाहिए कि बच्चे आपसे सिक्स सेवंथ एट्थ क्लास के बुक लेके आ जाएं कहेंगे दीदी आई की तैयारी कर रही है इंटरव्यू ले लेता हूँ दीदी का मैं तो आखिर ये मत कहना कि बेटा हम तो आर्ट्स पढ़ते हैं हा? हम हिस्ट्री जोग्राफी पढ़ते हैं मैथ्स नहीं पढ़ते हैं बेस्ती वाली बात हो जाएगी ना अगर बच्चा सेवन्थ एट्थ का आ गया बुक लेके और आपसे पूछ लिया दीदी दी, ये क्वेश्चन बताइए या भैया ये बताइए तो क्या करोगे आप कैसे टरकाओगे उस बच्चे को ये बताओ है चॉकलेट दे के अरे बच्चे बड़े शैतान है आजकल चॉकलेट में तो थर्ड फोर्थ क्लास का बच्चा नहीं मानेगा चॉकलेट में देखो हम जब पढ़ाई करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इतना हम सीख जाते हैं कि टेंथ क्लास का बच्चा किसी भी सब्जेक्ट की बात कर ले हमसे हम यूपीएससी हम दे रहे हैं कुछ भी एग्जाम दे रहे हैं कॉम्पटेटिव तो इतना हम सीख जाते हैं एवरी सब्जेक्ट के बच्चा टेंथ क्लास तक आए कोई भी सब्जेक्ट लेके चाहे वो एस एस टी लेके आए चाहे साइंस लेके आए मैथ्स लेके आए इंग्लिश लेके आए कुछ भी हो आप उसको आंसर दे पाए समझ में आई बात मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ आप मुझसे इंग्लिश पढ़ लो इतनी अच्छी पढ़ा दूंगा साइंस पढ़ लो आप मैं उतनी अच्छी पढ़ा दूंगा ठीक है साइंस के स्टूडेंट कौन कौन है कब कहाँ तक पढ़ी है साइंस आपने कितने लेवल तक ट्वेल्थ तक बस उसके आगे नहीं पढ़ी उसके आगे वाला है बच्चा उससे बात करेंगे हम ट्वेल्थ वाले तो स... बायोलॉजी ली थी क्या लिया था बायोलॉजी लिया था है ना पूछें कोई सवाल बायोलॉजी से है भाई फैट क्या होता है फैट क्या होता है ट्रांस फैट, फैट पढ़ा है ना न्यूट्रिशन पढ़ते हैं जब न्यूट्रिएंट्स पड़ते हैं ना विटामिन फैट और क्या होता है कार्बोहाइड्रेट फैट होता है ना फैट को लिपिड कहते हैं हाँ तो उसी में लिपिड तीन तरीके के होते हैं मालूम है सिंपल लिपिड कंपाउंड लिपिड ड्राइव्ड लिपिड यूपीएससी वाले बच्चे पढ़नी पड़ेगी ये सारी साइंस आपको बायोलॉजी तो ड्राइव्ड लिपिड में ही होता है एक ट्रांसफैट क्या होता है वो ट्रांसफेट है ट्वेल्थ लेवल में नहीं पढ़ा ये सिक्स से लेकर टेंथ क्लास तक की मैं एनसीईआरटी में आप ट्वेल्थ की बात कर रहे हो सिक्स से टेंथ तक की एनसीईआरटी में है ये में था 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 था। <laughs> आपने तो ट्वेल्थ तक पढ़ा है मैंने तो टेंथ तक ही पढ़ी है बायोलॉजी ट्वेल्थ इलेवन ट्वेल्थ में मैथ्स लिया था पी सी एम था मेरे पास ठीक है लेकिन मेरा मतलब ये है आपको बताने का अवेयर करने का कि आप जब इस जगह मतलब कंपटीशन की लाइन में आ चुके हो यूपीएससी एसएससी कोई भी तैयारी कर रहे हो तो आपके ये जो सब्जेक्ट है आप सोचो कि एक सब्जेक्ट को पढ़ के आप मास्टर बन जाओ उससे सिलेक्शन ले लोगे नहीं ले पाओगे आपको साइंस भी उतनी पढ़नी है जितनी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो जितनी पॉलिटी पढ़ रहे हो उतनी फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़नी है आप देख लो बिना साइंस को छोड़ दो एकदम और यूपीएससी में सिलेक्शन ले लो गारंटी साइंस को बिल्कुल मत टच करो आप और यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाए तो फिर मुझे बताना नहीं हो सकता साइंस भी उतनी इंपॉर्टेंट है वो रोने लग गई पीछे है ना रोना नहीं है तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा है ना बायोलॉजी का वो आपके सिलेबस से रिलेटेड है यूपीएससी के सिलेबस से रिलेटेड है ठीक है अमीनो एसिड क्या होते हैं ऐसे पूछ लेगा प्रोटीन प्रोटीन ही क्या है अमीनो एसिड हमारे शरीर में कितने टाइप की प्रोटीन होती है असेंशियल नॉन एसेंशियल मैंने हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन जैसे हम विटामिन की बात करते हैं कितनी विटामिन होती हैं कितने टाइप की विटामिन होती हैं दो टाइप होते हैं ना फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल चलिए आ जाते हैं मैथ्स में ना साइंस में तो आप उसे आ रहे हैं सब कोई दिक्कत नहीं टेंथ तक की एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से पढ़ लो बहुत अच्छे से आनी चाहिए ठीक है कोई भी बच्चा मैं बच्चे की बात कर रहा हूं अभी कोई भी बच्चा आपके पास आता है टेंथ क्लास तक का किसी भी सब्जेक्ट को लेके जब आप उसका आंसर करना सीख जाएंगे ना चाहे वो मैथ्स लेके आए चाहे साइंस लेके आए चाहे एस लेके आए सोचना हमारा सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपको डर लग रहा है अभी कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा तो आप नहीं बता पा रहे हैं तो आपकी तैयारी नहीं है उस लेवल की ठीक है और हर सब्जेक्ट की तैयारी बराबर करनी होती है मेंस में जाओगे आपने ये सब्जेक्ट लिया वो अलग बात है ना प्रीलिम्स तो कैसे पास करोगे उसमें तो सब कुछ पढ़ना है हेडिंग लगाओ नंबर सिस्टम इस बैच में इतने ही बच्चे हैं या कल बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे क्या होगा बढ़ जाएंगे कल घटेंगे अच्छा कौन कौन नहीं आने वाला है देखा तो देखा तो देखा। कल ऑफ रहेगा कल ऑफ रहेगा मंडे को होगी क्लास ठीक है चलिए मैं इंट्रोडक्शन कर रहा हूं नंबर सिस्टम का ठीक है और नंबर सिस्टम है क्या इसको समझ लो हिंदी में बात करेंगे तो क्या होता है संख्या पद्धति लिखते जाना नोट साथ साथ बनाना है अब सारे काम की बातें बताऊंगा आपको संख्या पद्धति एक ऐसा सिस्टम जो नंबर्स के बारे में बताता है उसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं एक ऐसा सिस्टम जो सारे नंबर्स के बारे में बताता है उसको क्या कहेंगे नंबर सिस्टम अब ये जो नंबर सिस्टम है इसको हम नंबर्स के आधार पर बात कर रहे हैं नंबर क्या होते हैं जानते होंगे सभी बच्चे अगर मैं पूछ लू व्हाट इज नंबर डेफिनेशन बताओ नंबर की नंबर क्या होते हैं <laughs> बड़ी मुश्किल है नंबर क्या है कैसे डिफाइन करोगे व्हाट इज नंबर ये बताएंगे भाई साहब हंस रहे हैं बैठ के आगे व्हाट इज नंबर अरेंजमेंट ऑफ स्पेसिफिक मैनर है पहले एक फिर दो फिर तीन <laughs> है नहीं एक मैनर बनना है ना पहले एक डिजिट है फिर दो फिर तीन बताओ इंटरव्यू में क्या करोगे आप ये सीख जाएंगे जब तक तो अभी तो बच्चे मैं अभी स्टार्टिंग किया है सीख जाएंगे जब तक चले जब हम नंबर को डिफाइन करते हैं तो नंबर की जो डेफिनेशन होती है कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट नंबर क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट इज कॉल्ड द नंबर डिजिट और नंबर में अंतर समझते हो yes, हां क्या होता है नंबर जब भी संख्या की बात करते हैं तो वहां डिफाइन होता है एक अंक की संख्या दो अंकीय संख्या तीन अंकीय संख्या, अंकी संख्या चार अंकीय संख्या बोले थे ना थ्री डिजिट टू डिजिट फोर डिजिट

तो नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट क्लियर बात कहीं ऐसा तो ना मुझे फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू भी पढ़ानी पड़े पता है ना वो तो फेस वैल्यू क्या होती है प्लेस वैल्यू क्या होती है दो तीन बच्चों की सारी बाकी तो ऐसे बैठे कहीं हमसे ना पूछ ले आप बताओ क्या है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होता है स्थानीय मान और जातीय मान या अंकीय मान भाई साहब आप बिल्कुल नहीं पढ़े हो मुझे लग रहा है कभी स्थानीय मान मान कितने बच्चों को नहीं पता सीरियसली पूछ लो सन्माने की बात नहीं है ऐसा देखो जब तक आप छुपोगे ऐसा तो सीख नहीं पाओगे आपको अगर लगता है नहीं आता कोई भी छोटी सी चीज़ों से पूछ लो मैं बोला हूँ प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होती है अगर आप आज भी ऐसे बैठे रह गए तो शायद कभी ना सीख पाओ फिर जो भी एक क्लास किस लिए आए हैं आप बहुत ज़्यादा होशियार होते तो आने की जरूरत थी आप सीखने आए ना तो सरमाना नहीं है अगर आपको कोई चीज नहीं आती तो पूछना है आपको पीछे बताएंगे दोनों मैडम आप बताइए पीछे क्या होता है फेस वैल्यू व्हाट इज द फेस वैल्यू किसी भी नंबर में हम फेस वैल्यू ढूंढने की कोशिश करते हैं या प्लेस वैल्यू क्या होता है वो हो? कभी सुनाया आपसे पहले नाम नहीं आपने पीछे हाँ जी आपसे ही कह रहा हूं मैं ठीक देख रहा हूं लास्ट <laughs> आप बताइए हाँ आप बताइए चलो देखो ठीक है ये लिखा है अब मेरा क्वेश्चन है वट इज द फेस वैल्यू ऑफ फाइव इन दिस नंबर ऐसे फाइव वट इज द फेस वैल्यू ऑफ थ्री वट इज द फेस वैल्यू ऑफ फोर फेस माने होता है चेहरा फेस वैल्यू का मतलब है डिजिट इट जब भी फेस वैल्यू पूछेगा तो फेस वैल्यू का मतलब होता है डिजिट इट जो डिजिट है वही तो उसकी फेस वैल्यू है उसका चेहरा क्या कैसा दिखता है वो तीन तो तीन दिख रहा है अगर आपसे पूछ लेता हूं मैं प्लेस वैल्यू ऑफ फाइव प्लेस वैल्यू बताइए क्या आएगी yes. क्या आएगा फिफ्टी यानी ये यहां से देखते हैं वंस टेंस और हंड्रेड yes. तो इसकी अगर आपसे प्लेस वैल्यू पूछी गई है तो आप टेंस नहीं बताएंगे आप प्लेस वैल्यू क्या बताएंगे फिफ्टी आपसे पूछा गया फोर की प्लेस वैल्यू क्या है फोर आपसे पूछा थ्री की प्लेस वैल्यू क्या है थ्री हंड्रेड ये चीजें आती हैं नहीं अगर मैंने पूछ लिया थ्री फोर पॉइंट टू सिक्स नाइन नाइन की प्लेस वैल्यू क्या है वट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ नाइन जीरो पॉइंट जीरो जीरो नाइन इससे पहले जितने भी है ना ये 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 दोनों जीरो बन जाएंगे ये पॉइंट तो रहेगा रहेगा ये दोनों जीरो इधर से मैं थ्री की प्लेस वैल्यू पूछता तो क्या बनता थर्टी बनता इससे मतलब नहीं है केवल यहां तक देखना है थर्टी बनता था ठीक है ये छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए इसी में ये वाले नंबर है वाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स इन गिवन नंबर मैं बाकी को हटा देता हूं उधर से ठीक है ये क्वेश्चन है इन सिक्स इन गिवन नंबर ये गिवन नंबर है आपका थ्री फोर पॉइंट टू सिक्स नाइन क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स इन गिविन नंबर फाइव पॉइंट आप बताइए क्या रहा है? सवाल को समझ गए ये जो सिक्स है बेटा ये जो सिक्स है इसकी आपको पहले प्लेस वैल्यू निकालनी है इसी की आपको फेस वैल्यू निकालनी है उन दोनों का डिफरेंस करना है तो आप कहोगे प्लेस वैल्यू सर फेस वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फेस वैल्यू तो सिक्स ही रहने वाली है भाई डिजिट क्या है डिजिट इट सेल्फ यानी सिक्स है प्लेस वैल्यू क्या है प्लेस वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो सिक्स है क्या प्लेस इसका स्थान कहां पर है पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक जीरो आ गया फिर ये सिक्स आ जाएगा पॉइंट जीरो सिक्स मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं बताना चाह रहा हूं मुझे लग रहा है कि आप नॉर्मली ऐसे ही समझ जाओगे इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं उसके ठीक है छोटा सा कॉन्सेप्ट है प्लेस का मतलब होता है कहां पर किस स्थान पर आया है तो दसमलब के बाद एक और नंबर है डिजिट है फ्री है तो जितनी डिजिट आगे पड़ती है उतने जीरो लगा देते हैं तो मैंने कहा सिक्स के आगे एक डिजिट है तो एक जीरो आ जाएगा बस ये प्लेस वैल्यू हो गई फेस वैल्यू में जो सिक्स है वही रहेगा फेस का मतलब उसका चेहरा क्या है सिक्स है अब इनका डिफरेंस पूछा है डिफरेंस <coughs> <coughs> अंतर तो अंतर कैसे निकालते हैं बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाते हैं डिफरेंस का मतलब क्या होता है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू तो 6 माइनस का 0.06 जीरो जीरो कॉपी में से माइनस करके दिखाओ मुझे सभी अपनी-अपनी कॉपी में 6 में से आपको घटाना है 0.06 अभी एक आध बच्चा मुझे ऐसा मिलने वाला है कि जो इसमें भी गड़बड़ करेगा 6 <laughs> 0.06 करेंगे तो क्या आएगा मैं चेक करूंगा सभी के रजिस्टर में देखो अभी तक लिख ही रहे भाई साहब ये घटाओ 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 शाबाश शाबाज <laughs> आप दिखाओ आप दिखाओ <laughs> देखो जो मैंने सोचा था वही हुआ ना सिक्स में से आपको जीरो पॉइंट जीरो सिक्स घटाना है और उसमें आप कॉपी छिपा रहे हैं अपनी हाँ कितनी अच्छी बात है चलिए कितना आएगा बेटा आंसर फाइव जिनको नहीं आया वो सीख लो कोई बात नहीं देखो जब भी हमें छह में से घटाना है तो छह लिखा और यहां अपनी तरफ से पॉइंट लगा दिया और आगे जीरो उतने बढ़ाते हैं जितने नीचे की जरूरत है हमें देखो ये नीचे जो संख्या है जीरो पॉइंट जीरो सिक्स है अगर ये तीन डिजिट होते थे तीन जीरो कर देते हैं यहाँ दो डिजिट है तो इसलिए दो जीरो कर दें ऊपर सिक्स पॉइंट जीरो जीरो इसका ओरिजिनल वैल्यू सिक्स है और नीचे मैंने क्या लिख लिया पॉइंट जीरो सिक्स इसको माइनस करना है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या अब तो कर लेंगे यहां पर क्या करते हैं जीरो है तो कैरी ले लेंगे टेन टेन में से सिक्स जाएगा तो फोर और यहां पे क्या रहेगा इधर से कैरी लिया था हमने टेन एक चला गया नाइन यहां तक तो दिक्कत नहीं है ठीक है फाइव पॉइंट नाइन फोर ये चीजें आप सीख जाओ चलो <coughs> तो नंबर सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं नंबर्स के बारे में चलते हैं उधर अपने टॉपिक पे नंबर सिस्टम में नंबर्स के बारे में सीख रहे हैं तो नंबर को सबसे पहले हम एक फॉर्मेट बनाते हैं एक आपको एक ग्राफ के जरिए समझाते हैं कि नंबर्स हैं क्या किसको किस कैटेगरी किस में रखा जाता है कितने नंबर हैं वो सबको जानना है सबसे पहले मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर एक मैंने बड़ा ग्रुप बना दिया सभी नंबर्स को मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रख दिया कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है हिंदी में कोई बच्चा हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की कोई दिक्कत है क्या बताइए मैं दोनों में लिखना है या एक ही लैंग्वेज में लिखना है दोनों में लिखना है ठीक है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कहते हैं हम जटिल संख्याएं क्या कहते हैं जटिल संख्या है। इनको दो भागों में बांटा जाता है फर्दर कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में बांटा गया है एक होता है रियल नंबर्स एक होता है आपका रियल नंबर्स इसको कहते हैं वास्तविक संख्या वास्तविक संख्याएं दूसरा होता है इमेजनरी इमेजनरी आई एम आई एम ए जी एन ए आर वाई इमेजनरी नंबर काल्पनिक संख्या क्लियर है? है क्या बोलेंगे ना काल्पनिक संख्या ठीक है थीके? तो अब ये काल्पनिक और रियल नंबर क्या होते हैं आप बुक उठाना सिक्स से लेकर टेंथ क्लास की पहला चैप्टर आपको यही मिलेगा रियल नंबर पहला चैप्टर क्या मिलेगा आपको रियल नंबर वास्तविक संख्या है वास्तविक का मतलब जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं इमेजनरी नंबर होते हैं काल्पनिक संख्या है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कल्पनाओं में काल्पनिक जिसमें आपने एलेवंथ क्लास में एक वर्ड पढ़ा होगा आयोटा अंडर रूड में क्या होता है माइनस वन वैल्यू होती है इसकी तो ये आपके सिलेबस में नहीं आता कॉम्पिटेटिव के किसी भी एग्जाम में नहीं आता चाहे आप एस एस सी दे रहे हो चाहे कोई भी एग्जाम है ये आता ही नहीं आपको पढ़ना नहीं है सिलेबस में आउट ऑफ सिलेबस है ये ठीक है सिलेबस में क्या है रियल नंबर रियल नंबर को आपको पढ़ना है ठीक है तो रियल नंबर को फर्दर हम कैटेगराइज करेंगे वास्तविक संख्याओं को पढ़ना कैसे है ये जो वास्तविक संख्याएं होती हैं दो तरीके की होती हैं एक तो होता है इंटीजर्स और एक होता है डेसिमल नंबर बात समझ पा रहे हो इंटीजर्स का मतलब क्या होता है इंटीजर्स पूर्णांक हिंदी में क्या कहेंगे इसे पूर्णांक और थोड़ा सा संधि विक्सित करो इसकी पूर्णांक को क्या करके पूर्णांक क्या मतलब निकल रहा है पूरा अंक यानी जो पूर्ण अंक हो वही पूर्ण अंक होता है इंटीजर पूर्ण अंक का मतलब जैसे वन टू थ्री फोर वन पॉइंट टू नहीं कंप्लीट नंबर जो होता है उसे क्या कहते हैं हम पूरा अंक पूर्ण अंक यानी इंटीजर और ये दशमलव संख्या डेसिमल का मतलब दशमलव दशमलव तो आप जानते ही हैं जिसमें पॉइंट आता है वन पॉइंट वन पॉइंट जिसमें डेसिमल होता है उसे हम ठीक है भाई अब ये जो डेसिमल है फर्दर इसको डिवाइड कर लेंगे आगे दो तरीके के डेसिमल होते हैं मालूम है आपको कौन से कौन से बताओ एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है या नहीं टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हिंदी में से कहेंगे शांत दशमलव संख्या शांत दशमलव संख्या और इसको कहते हैं अशांत इतनी बात सब बच्चों को आती होगी इस शांत दशमलव संख्या को फिर से दो भागों में बांट सकते हैं या नहीं बताओ एक होता है रिपीटिंग नहीं टर्मिनेटिंग तो एंड हो गया ना हटाओ से हाँ नॉन टर्मिनेटिंग में आएंगे इससे हटाओ यहां से इसमें आ जाओ ये होते हैं दो तरीके के एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग जो नॉन टर्मिनेटिंग संख्या होती है जिनका एंड नहीं होता वो दो तरीके की होती है एक रिपीटिंग होती है और एक नॉट रिपीटिंग होती है जैसे मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ जैसे आपने लिखा पॉइंट थ्री 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 ऐसे जीरो लगा के ये देखा है इसको आप क्या लिख सकते हैं जीरो पॉइंट थ्री पर बार जिस पर बार लगाते हैं वो रिपीटिंग संख्या होती है और जिन पर बार नहीं लगता वो हो क्या होती है नॉट रिपीटिंग तो यहाँ पर नॉट रिपीटिंग में आप आएंगे वन पॉइंट नाइन टू थ्री फोर सिक्स टू ठीक है इस तरीके से कोई पैटर्न नहीं है एंड नहीं हो रहा है और रिपीट नहीं हो रहा कोई भी तो इसको कहते हैं नॉट रिपीटिंग और रिपीटिंग का एक और नाम होता है इसी को कहते हैं रिकरिंग रिकरिंग नंबर जिनकी बार बार पुनरावृत्ति होती है दशमलव के बाद हाँ ठीक है और इन्हीं रिपीटिंग नंबर को कहते हैं हम रेशनल नंबर पूरा चार्ट मैं आपको समझा रहा हूं दिमाग में रख लेना कौन सी संख्या कहां है ठीक है कभी कभी सेट का क्वेश्चन दे देगा आपसे आपसे वेन डायग्राम बनवा लेगा संख्याओं के ऊपर सर्कल वाला वेन डायग्राम जानते हो हाँ तो आपको ये पता होगा कौन सी संख्या किसके अंदर है तभी आप वेन डायग्राम बना सकते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं भाई रेशनल नंबर यानी हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या जो अभी बात थी ना आपकी परमित संख्या क्या होती है पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाती है तो ये जो संख्या इनको हम पी अपॉन क्यू यानी इसका मतलब है इसको हम क्या लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू के रूप में फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं तो ये भी एक टॉपिक है कि रिकरिंग नंबर को कैसे कन्वर्ट करें ये पॉइंट थ्री पे बार लिखा हुआ है भिन्न में कैसे बनाए इसे फ्रैक्शन में कोई बच्चा बता सकता है क्या है पॉइंट थ्री पे बार है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी वन बाई थ्री वन को डिवाइड करो थ्री से पॉइंट थ्री, थ्री 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 चलता जाएगा तो जिन संख्याओं पर बार लग जाता है वो संख्याएं पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं और जितनी संख्याएं पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाती हैं वो सब क्या होती हैं रेशनल नंबर समझ में आई बात और ये जितने भी नॉट रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग है ये होते हैं आपके रेशनल <coughs> नंबर इनको कहते हैं हम अपरमेय संख्या इनको अलग से मैं पढ़ाऊंगा रिकरिंग नंबर को कैसे हम चेंज करेंगे अभी आपको सिखाऊंगा सारी चीजें अभी नहीं मतलब अगली क्लास में जैसे मान लो ये लिखा है पॉइंट टू फाइव पे बार तो इसका मतलब क्या होगा हम्म फोर होगा क्यों वन बाई फोर तो नहीं होगा वन बाई फोर तो सीधा सीधा आ गया पॉइंट टू फाइव ये बार कैसे लगाओगे बार तो जब लगेगा ना जब आगे तक चल रहा हो टू फाइव टू फाइव टू फाइव बार कब लगता है दशमलव के बाद संख्या खत्म नहीं होती बार बार वही रिपीट होती है टू फाइव टू फाइव टू फाइव आता जब लगाते इसको इस पर ये बार लेकिन जब एक को चार से भाग करेंगे तो ये तो सीधा सीधा पॉइंट टू फाइव आ जाता है ये आएगा ट्वेंटी फाइव अपॉन्ट नाइन्टी नाइन क्या आएगा ये 25 फाइव अपॉन में नाइनटी नाइन देखो आप 25 को भाग करके 99 से <coughs> 25 को डिवाइड करो 99 से पॉइंट टू ये चलता जाएगा ठीक है <coughs> तो ये कैसे होते हैं आपको परेशान नहीं होना सब सीखेंगे आप सारी चीजें सिखाऊंगा देखते ही आप जैसे मैं बना रहा हूं वैसे बनाओगे मान लो मैंने लिखा ये पॉइंट टू थ्री पे बार इसको बताना क्या बनेगा या जीरो लगे इसको P पॉइंट Q बनाओ पॉइंट जीरो टू जीरो पॉइंट टू थ्री पे बार है टू पे नहीं है केवल थ्री पे इसका मतलब क्या रहा होगा सवाल का ये तो समझ रहे इसका मतलब रहा होगा पॉइंट टू थ्री 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 जो रिपीट होता है उसी पे बार लगता है यानी ये जो सवाल है ऐसा रहा होगा तो किसको किससे डिवाइड किया तब ये आया है यानी अगर आपसे पूछ रहा है इसको पी अपॉन क्यू बनाओ तो क्या बनेगा ये <coughs> ये बनेगा बेटा ट्वेंटी थ्री माइनस टू अपॉन में नाइन जीरो ट्वेंटी वन अपॉन में नाइनटी और छोटा कर सकते हैं थ्री से कट जाएगा सेवन अपॉन में थर्टी ये सेवन अपॉन में थर्टी ठीक है क्या बन गया सेवन अपॉन में थर्टी पहले क्या बनाया हमने 21 23 में तो से 2 घटाया 21 अपॉन में 90 फिर देखना है इसको दोबारा काटेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं जब तक ये कटता तब तक काटते हैं 21 बटे 90 तीन से काट दिया सात और ये आ गया 30 तो फाइनल आंसर आ गया 7/30 अब सात में आप 30 से भाग करोगे तो ये आएगा क्लियर तो मैंने ये बताया कि अभी क्या है ये रिकरिंग नंबर है इनको क्या कहते हैं रिकरिंग जो बार बार आते रहते हैं रिपीट होते रहते हैं उनको रिकरिंग नंबर कहते हैं उनका पॉसिबल है कि पीओपोन क्यू बना लिया जाता है इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं परिमेय संख्या नंबर बात समझ में आई मत सोचना कि हमें नहीं आया चेंज करना वो अभी आपको सिखाया नहीं मैंने सिखाऊंगा बाद में ठीक है चलो ये आगे इधर चलते हैं जो इधर का पार्ट बचा हुआ है इधर का पार्ट जो बचा हुआ है इसको देखिए कैसे आएगा ये नीचे नहीं आ रहा कोई बात नहीं <coughs> देखिए ये जो इंटीजर होते हैं ये जो इंटीजर होते हैं इनको सीखना है आपको सही से नंबर लाइन पर जानते नंबर लिखते थे जो yes, नंबर लाइन पर मान लो ये जीरो है आपका इधर वन टू थ्री फोर अप टू इंफिनिटी यही तो इंटीजर है सब यही तो इंटीजर है भाई चाहे माइनस में प्लस में चाहे जीरो है ये सब कुछ इंटीजर है कंप्लीट डिजिट जो कंप्लीट डिजिट होती है उसको हम क्या कहते हैं इंटीजर कहते हैं पूरा अंक, पूरा अंक तो इधर के जो साइड में होते हैं ये वाले जीरो से इधर इनको क्या कहते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स धनात्मक पूर्णांक ऐसे हिंदी में कहा जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स जीरो से इधर के जो होते हैं ये क्या होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो क्या होता है न्यूट्रल ne ना पॉजिटिव ना ही नेगेटिव लेकिन क्या होता है इंटीजर होता है तो जीरो इज द न्यूट्रल इंटीजर, इतनी बात समझ में आ गई अब यहां से आगे जो आपने पढ़े हैं किताबों में सिक्स सेवेंथ की में सबसे पहले आपने पढ़ा है जानते हैं सभी बच्चे हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है प्राकृतिक संख्या वन टू इंफानेट कौन सा वाला वन माइनस वन या प्लस वन प्लस वन तो जो नेचुरल नंबर होते हैं आपने किताब में पढ़ा है एक से लेके सभी संख्याएं क्या होती हैं इनफिनिटी तक प्राकृतिक संख्या होती हैं ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स कॉल्ड ये जानना जरूरी है क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है प्रथम पांच धनात्मक पूर्णांक या प्रथम पांच प्राकृतिक संख्या फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर फर्स्ट फाइव बोला है तो कहां से शुरू होगा वन से प्लस वन से तो मैंने कहा ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है तो जीरो आएगा क्या इसमें नहीं आएगा कहां से शुरू होता है वन से वन टू थ्री फोर अप टू इनफाइनाइट ये सब क्या है हमारे नेचुरल नंबर है समझ में आई बात नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे इसमें जीरो नहीं आएगा ये ऊपर कैसे स्क्रॉल होगा दो तीन अच्छा ठीक चलिए आगे दूसरा पॉइंट इंटीजर के अंदर पढ़ रहे हैं हम दूसरा पॉइंट लगाएंगे होल नंबर होल नंबर क्या होता है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो जीरो को ऐड कर देते हैं तो होल नंबर कहलाते हैं हिंदी में क्या कहेंगे ने? पूर्ण संख्या है होल नंबर को क्या कहते हैं पूर्ण संख्या है। ठीक है? ये तो हर बच्चे को पता होगा। एविन नंबर चौथा होता है ऑर्ड नंबर yes, ये ओ मान लो ठीक है ऑर्ड नंबर सम और, और विषम सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है बेटा एक बार बताइए जरा जो दो से डिवाइड हो जाती है इवन होती है जो दो से नहीं होती और होती है. पहला इवन नंबर क्या है Two. पहला इवन नंबर क्या है टू <laughs> माइनस टू नहीं हो सकता क्यों क्यों नहीं हो सकता जीरो नहीं हो सकता क्या क्वेश्चन ये जीरो जीरो ऑड है या इवन है अब ऑड इवन की बात हो रही है ना जीरो इज द इवन नंबर जीरो क्या है इवन नंबर है ठीक है अगर मैं कहता हूं कि ऑल पॉजिटिव इवन नंबर बताओ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर बताओ तो दो चार छह आठ है ठीक है ऐसे मैंने बोला है पॉजिटिव इवन माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स भी क्या है हमारे इवन नंबर है वो नेगेटिव के इवन नंबर है और हम बात कर रहे हैं जीरो की जीरो भी क्या है इवन नंबर है देखो डेफिनेशन में आपने क्या बताया ऐसी संख्या जो दो से डिवाइड हो इसी बात को थोड़ा सा घुमा के कह दूं कोई भी नंबर जिसको दो से डिवाइड करें रिमाइंडर जीरो आए वो संख्या इवन है दो से डिवाइड होने का मतलब क्या है किसी संख्या को दो से भाग किया है रिमाइंडर जीरो है तो वो क्या है इवेन है आपने कहा कि सर एग्जाम्पल में हमने कहा कि दो चार छ आठ ऐसे इन्फिनिटी ठीक है आप दो से शुरू कर रहे हैं और डेफिनेशन दे रहे हैं कि दो से कट रही है सब कट क्यों नहीं है क्योंकि रिमाइंडर जीरो आ रहा है मैंने कहा कि भाई साहब जीरो क्यों नहीं है जीरो भी तो इवेन नंबर है ऐसी संख्या कोई भी संख्या जिसको दो से भाग करते हैं शेष जीरो आता है तो वो संख्या क्या होती है इविन होती है तो आपने कहा कि लॉजिक ये है कि चार को हमने भाग किया है दो से तो दो दुनी चार रिमेंडर कितना आ गया जीरो। इसलिए क्या है है ये ये यही तो है आपका कि सभी संख्याओं में अगर हम दो से भाग कर रहे हैं दो से पूर्णतः कट जा रही है कटने का मतलब है रिमाइंडर क्या रहे पहुंच पा रहे मैं क्या बताना चाह रहा हूं अब रुक तो जाओ भाई सब्र करो इस जीरो को दो से भाग लगाया तो रिमाइंडर क्या आएगा अब ये कुछ बताओ जीरो को अगर मैं दो से भाग करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा जीरो आएगा या और कुछ आएगा जीरो आएगा कितने सहमत है इस बात से जीरो ही आएगा लेकिन कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भाग कैसे लगा दिया ये यहां जीरो आएगा कैसे भाग लगाएंगे इसमें एक बार गया दो बार गया कितनी बार गया भाग जीरो बार गया, जीरो बार गया। ना तो एक बार गया ना दो बार गया कितनी बार गया जीरो बार जीरो बार गया होगा तो जीरो का दो सौ गुणा गया यहां जीरो लिख दिया जीरो में से जीरो घटाया रिमाइंडर जीरो आ गया अब हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कोई भी संख्या जिसको दो से भाग करते हैं से जीरो होता है तो क्या कहलाती है इवेन नंबर तो बताओ जीरो इवेन होगा या नहीं होगा ठीक है तो जीरो क्या होता है इवन नंबर आप सब बातें छोड़ दो केजरीवाल ने ऑड इविन लगाया था गाड़ियों में याद है किसी गाड़ी का नंबर है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप इसे ऑड कंसीडर करेंगे इवन किस दिन चलेगी ये गाड़ी इवन चल रही थी इवन में जीड़ी। क्यों जीड़ी। क्योंकि जीरो के आधार पर ही तो ऑड इवन बताया जा रहा है इसको ये जो नंबर है किस आधार पर ऑड इवन बताया जा रहा है कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट देखते हैं तभी तो ऑड इवन बताते हैं आप अगर मैं इसको थ्री फोर फाइव वन लिख देता तो आप कहते सर ये क्या है ऑड है क्योंकि ये वन है वन को दो से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा वन छोटी सी बात बताता हूं कोई भी नंबर है अगर हमने दो से डिवाइड किया रिमाइंडर जीरो आता है तो वो संख्या इवन है अगर किसी संख्या को दो से डिवाइड किया रिमाइंडर वन आता है तो वो क्या है और? है कि नहीं भाई बाउंस तो नहीं चला गया क्या बात बताई मैंने फाइव सेवन नाइन एंड सो अगर मैं यहाँ माइनस वन लिख देता हूं कोई दिक्कत नहीं है माइनस थ्री लिख देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है ये भी इवेन है ये भी ऑड है माइनस के ऑड है प्लस के ऑड है जब हम इंटीजर की बात करते हैं <coughs> देखो होल नंबर और नेचुरल नंबर है तब आप इसमें नेगेटिव नहीं ले जाएंगे नंबरों को तब नेगेटिव नहीं जाएंगे बाकी ऑड इविन है तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते ठीक है, है? तो जीरो किस में काउंट कर लिया हमने इवेन में इसलिए जीरो यहाँ नहीं आया है ऑड में देख रहे हो क्या आ रहा है दो दो का अंतर आना चाहिए ना माइनस वन से वन फिर थ्री फाइव तो ये सब क्या है आपके ऑड नंबर सिंपल सी बात है दो से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आता है तो वो इवन है रिमाइंडर वन आता है तो क्या है और तो कुछ नहीं बचेगा रिमाइंडर किसी भी संख्या को दो से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है या तो जीरो या एक <coughs> किसी भी संख्या को अगर मैं फाइव से डिवाइड करता हूं दुनिया की कोई भी संख्या है मेरे पास उन सबको मैंने पांच से डिवाइड किया है तो क्या क्या पॉसिबल रिमाइंडर बचेंगे जीरो फाइव बचेगा सोच लो पहले मैं क्या कह रहा हूँ इतनी जल्दबाजी में कोई भी संख्या है मेरे सामने उसको मुझे फाइव से डिवाइड करना है तो क्या क्या रिमाइंडर बच सकते हैं क्या पॉसिबिलिटी है जो रिमाइंडर होंगे वो कितने हो सकते हैं कौन से कौन से हो सकते हैं <coughs> 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 जीरो वन टू थ्री फोर फाइव तो नहीं बचेगा फाइव से तो आप डिवाइड कर रहे हैं उसको फाइव कैसे बच सकता है समझ पा रहे हो फिफ्टीन है फिफ्टीन को फाइव से किया रिमाइंडर पूरा कट गया पांच तो बचेगा ही नहीं क्योंकि पांच तो खुद पांच से कट जाएगा इसलिए जब भी किसी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर जीरो से लेके उस नंबर से एक कम तक बचते हैं कोई भी संख्या है एन से हम किसी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या जैसे मैंने पांच से भाग किया तो रिमाइंडर जो मेरे पास होंगे वो जीरो हो सकता है वन हो सकता है टू हो सकता है थ्री हो सकता है फोर हो सकता है इससे ज्यादा रिमाइंडर नहीं हो सकते इसलिए मैंने जब दो से डिवाइड किया तो रिमाइंडर या तो जीरो होगा या वन होगा चलो आगे बढ़ जाते हैं इस पर बहुत टाइम नहीं लगाते समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या बताना चाह रहा चलिए और के बाद में हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर और इस पर एक सेपरेट आपको एक घंटे क्लास दूंगा मैं प्राइम नंबर के ऊपर अभी तो बस आप इंट्रोडक्शन जान लो इसकी हेडिंग लगा लो क्या होता है पांचवा नंबर है आपका प्राइम नंबर प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्या और इस पर भी हमने चर्चा की थी आप टू बता रहे थे हम कह रहे थे वन क्यों नहीं है अभी डिस्कस करते हैं इस बात को प्राइम नंबर की डेफिनेशन मालूम है सबको क्या लिखते हैं आप नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल वाई डिविजल वाई ये वर्ड देखो <laughs> वन एंड इट आपने नहीं बोला ये इसी में सारी बातें छुपी हुई हैं ये वर्ड है ओनली ऐसी संख्या जो केवल एक से और अपने आप से विभाजित है उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं उसे प्राइम, प्राइम नंबर है ना ऐसी संख्या जो केवल एक से और से एक से और अपने आप से विभाजित है उसको हम प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं इसकी दूसरी डेफिनेशन और लिखो नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स ऐसी संख्या जिसके केवल दो फैक्टर हो यानी दो गुणनखंड हों हो ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हों हो उसको हम क्या कहेंगे उसको कहते हैं प्राइम नंबर ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हों हो उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर गुणनखंड समझ गए ना फैक्टर यानी दो संख्या यानी वन और वो खुद एग्जाम्पल में आप देखेंगे कोई भी किताब उठा के देखेंगे पहला टू वेरी गुड ठीक है पहला प्राइम नंबर टू दिखाया जाता है किताबों में ठीक है अच्छी बात है दो ही होता है वन क्यों नहीं है मेरा क्वेश्चन ये वन क्यों नहीं है हाँ हमने ये ऊपर वाली डेफिनेशन जो पढ़ी है किताब में वो तो तुरंत सेटिस्फाई हो रही है वन में ऐसी संख्या जो वन से भाग हो जाए और खुद से भाग हो जाए खुद भी तो बन है ये ऊपर वाली डेफिनेशन से देखेंगे तो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना ऐसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे तो वन वन से कट रहा है और अपने आप से भी कट रहा है लेकिन मैंने ये जो बात लिखी है इसको समझो ऐसी संख्या जिसके केवल दो फैक्टर हों जैसे ये थ्री है इसका फैक्टर वन और थ्री तो इनमें आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे आपको सेपरेट ये दो फैक्टर दिखाई दे रहे हैं इसके दो फैक्टर दिखाई दे रहे हैं इसके दो फैक्टर दिखाई दे रहे हैं दोनों अलग अलग हैं दोनों की शक्ल अलग है यहां पर क्या है ये दो फैक्टर है, है एक ही एक है फैक्टर इसीलिए क्या नहीं है प्राइम नंबर ठीक है प्राइम नंबर <laughs> होने के लिए उसके दो फैक्टर होना जरूरी है तो पहला फैक्टर तो वन होता है दूसरा वो खुद होती है संख्या क्लियर है बात या नहीं अब क्वेश्चन ये हाउ मैनी टोटल प्राइम नंबर टोटल प्राइम नंबर अप टू अप टू फिफ्टी बताइए कितने होते हैं पचास तक कितनी आवाज संख्याएं होंगी पचास <coughs> तक कितनी आवाज संख्याएं होंगी हाउ मैनी टोटल प्राइम नंबर अप टू फिफ्टी कैलकुलेट करके रख लो पूछ लेते हैं ऐसे सवाल डायरेक्ट आंसर है इसका 15 कितनी संख्याएं होती हैं 15 होती है. <coughs> तेईस के बाद बताओ कौन सी आएगी नेक्स्ट प्राइम नंबर 29 नाइन <coughs> <29. coughs> <29. coughs> फिर कौन सी आएगी 29. 31 <coughs> फिर नेक्स्ट 37 सेवन नेक्स्ट फोर्टी वन नेक्स्ट 43 थ्री के बाद 47 सेवन तो टोटल काउंट कर लो 15 हो गई, 15 होती हैं ऐसे अगर आपसे पूछ ले 50 से लेके 100 तक हाउ मैनी प्राइम नंबर 50 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं क्या हुआ टेन होते हैं। टोटल कितने होता है टेन अब अगर पूछ ले एक से लेके हंड्रेड तक टोटल प्राइम नंबर कितने हुए ट्वेंटी फाइव टेन पहले फिफ्टीन पहले और टेन बाद में <coughs> आगे लिखो नोट करके लिखो बात कुछ इंपोर्टेंट बातें इसके लिए प्राइम नंबर के लिए नोट थोड़ा सा आपने ऑब्जर्व <coughs> किया होगा मैं दोबारा दिखा देता हूं थोड़ा ध्यान से देखो इन्हें सभी प्राइम नंबर सभी प्राइम नंबर को थोड़ा सा ध्यान से देखो देख लिया कैसे देख रहे हैं अच्छे, अच्छे देख रहे हैं हाँ मैं ये दिखाना चाह रहा हूं इस टू को छोड़ो बाकी सबको देखो ध्यान से और, और। क्या है सब ऑड क्या है सब ऑड तो यह दिखाना था अच्छे लग रहे हैं ये नहीं दिखाना था पहला पॉइंट क्या निकलता है टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर दो अकेला क्या है एविन प्राइम है बाकी सब क्या है ऑर्डर अच्छा नेक्स्ट बात बताएंगे अगर मैंने कोई दो प्राइम नंबर लिए हैं अगर मैंने कोई दो प्राइम नंबर लिए हैं उन दोनों को ऐड करके इन दोनों को ऐड करके मुझे क्या मिल गया है इवन तो ये दोनों क्या रहे होंगे इन दोनों में टू आएगा या नहीं आएगा नहीं आएगा याद रखना कोई भी दो संख्याएं हैं इनको जोड़ के इवन बनाया गया है प्राइम में तो इसमें टू नहीं होगा ये दोनों ही क्या रहे होंगे ऑड रहे होंगे ठीक है ये दोनों ही क्या रहे होंगे ऑड ये भी ऑड होगा ये भी ऑड होगा एग्जाम्पल से समझ लो मैंने कहा तीन है और पांच है तीन और पांच दोनों ही क्या है ऑड प्राइम नंबर है इनको एड कर दिया तो क्या आ गया आठ एट क्या है इवन अगर ऐसे सवाल पूछ लेता है तो नहीं तो नहीं अरे भाई इवन नंबर तो है ही है इवन इवन तो कोई होगा ही नहीं टू तो अकेला इवन था टू हम प्राइम की बात कर रहे हैं ठीक है ये दोनों क्या थी ये प्राइम नंबर थे एनी टू प्राइम नंबर का सम कर रहे हैं और वो इवन आ जाता है तो इसका मतलब है उन दोनों में टू नहीं आएगा अब मैंने इन दोनों को ऐड करके और यहां ऑड लिख दिया ये दोनों क्या है प्राइम नंबर पहले से बताया गया है दो प्राइम नंबर का सम अगर ऑड आ जाता है तो इसमें से एक टू रहा होगा ठीक है जैसे आपने यहां टू लिखा और यहां पे क्या कर दिया फाइव तो कितना आएगा सेवन आपने यहां टू लिखा इसको जोड़ के यहाँ एलेवन लिख दिया तो कितना आ जाएगा ये थर्टीन तो अगर आप कंसीडर करते हैं टू को तो हमेशा क्या आएगा सम और आएगा टू का होना जरूरी है अगर यहाँ और लिखा है तो आपने एक मूवी देखी है कोई या नहीं एक मूवी थी जिसमें आ, नाम याद नहीं आ रहा मुझे एक लड़का होता है आईआईटी के ऊपर बनी हुई है और मथुरा का होता है लड़का छोटी वोटी रखता है उसमें याद आई नहीं आई जीनियस, जीनियस।, तो जीनियस में वो लड़की उसका क्या करना चाहती है स्टेज पर बे उसकी बेजती करना चाहती है कितना होशियार है वो सोचती है कि ये सब नकल वकल पार करके आ जाते हैं ना ये देसी ब्राह्मण मथुरा के रहने वाले क्या जानते हैं आई के बारे में पता है ना रील्स में तो देखा ही होगा तो उसमें एक क्वेश्चन पूछ लेती है वो क्वेश्चन पूछ लेती है दो बॉल देते हैं उसमें तीन बॉल तीन बॉल होती हैं और उनका सम क्या बताना होता है 28 या ट्वेंटी थर्टी हाँ जो भी है मुझे ध्यान नहीं है ऐसे ही क्वेश्चन है तो वो बनता क्यों नहीं जो उसने बॉल दिए हैं जो बॉल दी होती हैं डायरेक्ट वो बनता नहीं है सिक्स कर देता है वो जब जाके बनती है तो उसमें यही कॉन्सेप्ट लग रहा होता है कुछ प्राइम प्राइम ध्यान से देखना मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है क्या क्या था वो उसको देखना आप तो उसमें तीन बॉल थी उसके पास में कह रहे इन तीनों बॉलों को और वो बॉल भी बता दी थी कि क्या क्या नंबर हैं इनका सम थर्टी बनाना था इनका सम क्या बनाना था थर्टी बनाना था और इसमें से एक तो शायद टू दे रखा था और दो और थे कुछ अब मुझे याद नहीं है तो मैं आगे इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं तो उसमें यही कॉन्सेप्ट था कि अगर हम सारे प्राइम नंबर को ऐड कर रहे हैं तो वो थर्टी नहीं बनेगा या कुछ ऐसे लॉजिक था देखना उसे मैं भी देखूंगा जाके ध्यान आ जाएगा <coughs> चलिए प्राइम नंबर की हम बात कर रहे थे टू इज द ओनली प्राइम नंबर पचास और कितने होते हैं पचास तक पंद्रह होते हैं और सौ तक कितने होते हैं पच्चीस होते हैं चलिए आगे नेक्स्ट ये जो प्राइम नंबर हैं प्राइम नंबर को अलग अलग हम कैटेगराइज कर सकते हैं एक होता को प्राइम नंबर ये सुना है क्या नाम आपने को प्राइम हिंदी में कहते हैं सहभाज्य संख्या सो तो नहीं रहे आप लोग नींद तो नहीं आ रही है भाई थोड़ी देर और जग लो है ना टाइम तो हो गया को प्राइम नंबर दूसरा होता है को प्राइम हो गया ट्विन प्राइम या एक होता है रिलेटिवली प्राइम बस नाम लिख लो ऐसे रिलेटिवली प्राइम ठीक है को प्राइम को जान लो ऐसी नंबर ऐसे कोई दो नंबर मान लो ए और पी जिनका एसिफ वन हो जिनका एस सी वन हो उनको क्या कहते हैं <coughs> कोई भी दो नंबर जिनका एस सी वन हो ट्विन प्राइम का मतलब होता है ट्विन प्राइम का मतलब होता है ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस टू हो जैसे लिखा मैंने थ्री और फाइव जैसे लिखा मैंने इलेवन और थर्टीन <coughs> ट्वेंटी नाइन और थर्टी वन एस सी एफ तो वन आएगा ही आएगा लेकिन क्या बता रहा हूं ट्विन प्राइम किसको कहते हैं जिनका डिफरेंस आपस में कितना होता है टू ये नंबर प्राइम भी है और इनका डिफरेंस कितना है टू तो इनको कहेंगे ट्विंस प्राइम या ट्विन प्राइम समझ मारी बात कुछ नहीं को हाँ जी को प्राइम नंबर को प्राइम को में कोई भी है जैसे मैंने लिखा नाइन नाइन क्या नहीं है प्राइम नहीं है लेकिन नाइन के साथ मैंने रख दिया भाई साहब कितना ट्वेंटी ट्वेंटी भी क्या नहीं है हमारा प्राइम नहीं है लेकिन ये को प्राइम है दोनों क्यों को प्राइम है इनका जो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर है नाइन का कॉमन फैक्टर और इसका निका निकालेंगे तो कितना आएगा वन आएगा नौ और बीस में कुछ कॉमन फैक्टर है फैक्टर समझ रहे हो इसको ब्रेक करोगे तो एक गुणा तीन गुणा तीन आएगा इसको ब्रेक करोगे तो क्या आएगा एक गुणा दो गुणा दो गुणा पांच आएगा कॉमन क्या है इनमें तो इनको क्या कहेंगे हम को प्राइम नंबर ठीक है समझ में आ गई बात ये भी सब क्या है को प्राइम है लेकिन ये ट्विंस प्राइम है इनका डिफरेंस क्या है टू का यहां पर कंपल्सरी है प्राइम भी हो सकते हैं नहीं भी हो सकते नौ तो प्राइम नहीं होता बीस तो प्राइम नहीं होता लेकिन दोनों आपस में रख दे तो क्या हो गए को प्राइम हो गए ठीक है ये जो रिलेटिवली प्राइम और ये को प्राइम वाली बात है वो एक ही है ट्विन प्राइम को अलग से समझ लो जिनका डिफरेंस टू का होता है ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका अंतर दो का होता है उनको क्या कहते हैं हम ट्विन प्राइम कहते हैं इसमें ऐसे मत रख देना जैसे मैंने नाइन रख दिया और इलेवन रख दिया आप कहोगे सर दो का अंतर है दो का अंतर है लेकिन नाइन क्या नहीं है प्राइम नहीं है ये किसके अंदर चली जाएगी ये इसके अंदर चली जाएगी या ये इसके अंदर चली जाएगी रिलेटिवली प्राइम यानी नौ ग्यारह के साथ रख दी तो प्राइम है समझ लो ग्यारह के साथ में वैसे नौ तो इंडिविजुअल प्राइम नहीं है लेकिन ग्यारह के साथ उसे रिलेट करके देख रहे हैं तो क्या है वो रिलेटिवली प्राइम है बहुत ज़्यादा अंदर हो गया ना समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं नहीं समझ में आ रहा है तो बस इतना समझ लो को प्राइम क्या होता है ऐसी कोई संख्या जिनका एस सी वन होता है उसको हम को प्राइम कहते हैं यही आएगा ये यह नहीं आएगा आपके सिलेबस में ट्विन प्राइम वाला ट्विन प्राइम तो मैंने एडिशनल बता दिया है ठीक है <coughs> ये जो होता है आपका को प्राइम का मतलब क्या है कोई भी दो संख्या जिनका एस क्या आ रहा है वन आ रहा है उनको हम क्या कह देंगे को प्राइम नंबर कह देंगे ठीक है भाई चलो आज इतना ही रखते हैं अगली क्लास में इसके आगे मैं टॉपिक शुरू कर दूंगा जैसे इकाई अंक निकालना यूनिट डिजिट है रिमाइंडर थ्योरम है ये सारे जो मतलब भारी भारी से क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे थे वो सब अगली क्लास से हम शुरू कर देंगे